Guys, good evening. चलो जी, this is the third lecture. आपको पता होगा कि आज हम लोग एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं. The topic is return of income. Yes or no? Okay. By this time आपके पास notes होंगे, तो कुछ notes का काम करेंगे और कुछ अदर चीजें करेंगे. Just check. You have this topic called as basic, right? बेसिक का टॉपिक है. इसके अंदर का सब्सटेंशियली हमने सब कुछ कर लिया है. आओ एक बार नोट्स भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए नोट्स में क्या कंटेंट दिए, कैसे कंटेंट दिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स को अगर आप देखोगे, नोट्स के नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और जिसको अगर लगता है कुछ डाउट है बाद में तो आप प्लीज मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डन. ओके जी सर, चैप्टर्स के सीक्वेंस आप समझ सकते हैं. सबसे पहले जो चैप्टर है बेसिक. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चार मॉड्यूल में तोड़ेंगे. हम पहले मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं. ठीक है, आओ अगर मैं फटाफट देखते जाऊं सिर्फ बेसिक, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी है. अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट शेल केम इनटू फोर्स ऑन 1/4/2018. हेंस फ्रॉम मे 18 एंड नवंबर 18 फाइनेंस एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल. याद होगा तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यस और नो? ओके. और हर केस में प्रीवियस ईयर ही अगर लिखा रहा आपको प्रॉब्लम के अंदर में, तो प्रीवियस ईयर शेल ओनली एंड ओनली मींस 17-18 एंड असेसमेंट ईयर शेल ओनली मीन 18-19. क्लियर है? ओके. चलिए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं. एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. आई हैव इनफ ऑफ द डिस्कशन ऑन दिस फोर वर्ड्स विच केम इनटू फोर्स ऑन 1/4/1962. 23 चैप्टर्स एंड 298 सेक्शन इन ऑल, वी नो इट. कंपनीज एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. Entry number 82 to the union list, taxes on income other than on agriculture. And entry number 46 of the state list specify agricultural income tax. अगर आपको याद हो तो यह इसके ऊपर हम लोग ने बहुत अच्छा खासा समय दे दिया है. फिर याद होगा तो हमने चार चीजें और डिस्कस करी थी. What is Income Tax Act 1961? Yes, तो सबसे पहले आप देखेंगे वहां पे मैंने इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी दे रखा है. पहले नोट्स का कलर कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ. सी, अगर कोई चीज ब्लैक में लिखी है, इसका मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. पर अगर ये आपको मल्टी कलर दिख जाए, रेड ब्लू या ग्रीन, तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है. उसमें भी रेड दिख जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एग्जाम में हमें सिर्फ उतना ही फोकस करना है जितना रेड इससे हाईलाइट किया होगा या रेड से स्पेसिफाई किया होगा, सो दैट आपका टाइम बचेगा. हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर में कि हम पूरा का पूरा डिटेल यू नो डिस्कस कर सके. बट हाँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना. फाइनेंस एक्ट कैसे आता है? फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट बिकेम्स द फाइनेंस एक्ट. गेटिंग इट और नॉट? ओके. इसके बाद में हमने रूल्स पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? रूल्स. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. सो दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट. जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन पूरा का पूरा रूल्स के थ्रू कवर होता है. एक बात समझ के रखना, एग्जाम में कभी ये नहीं पूछने वाला डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स. ये सिर्फ फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. थर्ड, सर्कुलर. कुछ याद आ रहा हो तो सर्कुलर इज एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ 119. सीबीडीटी इशू सर्टन सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस. सीबीडीटी इशू सर्टन क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कुछ याद आ रहा है क्या मालिक? क्लैरिफिकेशंस व्हिच हेल्प टू क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द एक्ट. ओके. सच सर्कुलर और क्लैरिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज. दीज आर बाइंडिंग अपॉन इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट सीआईटी अपील्स. ओके. इसका मीनिंग थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा आपको. फिर जुडिशियल डिसीजन. एनी डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकेम्स द लॉ ऑफ द लैंड व्हिच इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इनकम टैक्स अथॉरिटी एज वेल एज ऑन द असेसी. सो हाईएस्ट हाईएस्ट जुडिशियल डिसीजन वी ऑल नो इज सुप्रीम कोर्ट. हालांकि आपको एक बात अभी भी समझनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लोग कहते हैं कि भैया चेंज नहीं किया जा सकता. मैं भी बिल्कुल यही करूंगा, बस एक डिफरेंट वर्ड के साथ. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज किया जा सकता है बाय मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ. यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करना है तो यू नीड टू अमेंड द फाइनेंस एक्ट. Yes or no? तो ये है इंपॉर्टेंट वर्ड. देखो अलग कलर के पेन से दिया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी नलिफाइड बाय अमेंडिंग द लॉ थ्रू फाइनेंस एक्ट. क्लियर है? पहले पेज में का कोई भी पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं आ सकता, बहुत क्लियर रख लो. फिर हमने सेक्शन 1 चालू किया था. क्या आपको याद है?
The act may be called as Income Tax Act 1961, it extends to whole of India. Wait, क्या हम याद करो, revision करते हैं इसी बहाने, India में गए थे मालिक, क्या India 225A के अंदर में defined है, कुछ याद है? तो India, India के अंदर में क्या आता है? India means Territory of India, पूरा Territory of India उसके अंदर में covered है, including the territorial waters and the airspace above the territory. जितना भी है ये पूरा का पूरा cover किया जाता है. हालांकि हमें पता था IPCC में भी और final में भी India का definition कभी नहीं पूछा जा सकता, ये सिर्फ understanding purpose के लिए है. Again, India पढ़ने के बाद हम लोगों ने याद आ रहा हो तो section 4 पढ़ा था. Section 4 was basis of charge, याद है? So आइए इनकम टैक्सेस पेबल, हमने इनकम वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, याद होगा. तो इनकम के लिए हमने बोला था रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती. कैपिटल रिसीट चार प्रकार थे, याद करो, लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट. बाकी सब कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस एग्जम्पशन और डिडक्शन इज प्रोवाइडेड. तो मैंने ये अज्यूम किया कि अपन बिल्कुल एवरेज बच्चे है, यहाँ पे और दो वर्ड दे दिए, एग्जम्पशन और डिडक्शन. What is exemption? Every income chargeable to tax unless specifically exempt under section 10. Section 10 के अंदर में जब तक के specifically exempt ना कर दे, हर income chargeable to tax मानी जाएगी मालिक. Okay. Deduction. दो तरह से deduction available है. Okay. पर major deductions कहाँ cover है? Chapter 6A under section 80C to 80U. ये major deductions covered है. Okay. फिर से आते हैं. Income tax is payable for any असेसमेंट ईयर, याद करो असेसमेंट ईयर क्या हम लोगों ने पढ़ा है? हाँ, 2 सबसेक्शन 9. असेसमेंट ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एवरी ईयर. और क्या इसे ऐसा भी बोल सकता हूं, इट इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड. इट इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड. ओके सर, सो 29, इट इज द ईयर इन विच इनकम इज चार्ज टू टैक्स, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एवरी ईयर. हालांकि फाइनल लेवल पे आपको असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन नहीं पूछ सकता, अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ वो, यू नो, जब आप बच्चे रहते हैं आईपीसीसी तक के, तब तक के ही काम आता है सिर्फ. ओके, इसके बाद रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. आहा, मैं मेरे बच्चे को रिवाइज करवाना चाहता हूं. बता बेटा, क्या इनकम टैक्स एक्ट में रेट दिए हैं, वो नॉर्मल रेट है या स्पेशल रेट है? स्पेशल रेट है. इनकम टैक्स नॉर्मल रेट देता नहीं, हमें शेड्यूल 1-2 फाइनेंस एक्ट आना पड़ता है. पार्ट ए, पार्ट टू. पार्ट वन इनकम टैक्स का रेट, पार्ट टू टीडीएस का रेट. याद आ रहा है मालिक? ओके, ये देखिए, नीचे आप जैसे ही जाओगे वैसे आपको मैंने दो क्लासिफिकेशन दिए, एक है नॉर्मल रेट, राइट, एंड दीज आर स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट. एक है स्पेशल रेट, दीज आर स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट. ये यही क्लैरिफाई कर दिया है मैंने, दीज आर स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट. हालांकि ये कभी पूछेगा नहीं आपसे दो रेट है या नहीं, आपको सीधा इंप्लीमेंटेशन करने बोला जाता है. ओके, सबसे पहले तो नॉर्मल रेट, याद होगा तो इसके लिए कल हम लोगों ने एक बड़ा सा चार्ट बनाया था, याद है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया है. इसके अंदर में सबसे पहले किस किस को एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल, राइट, मेल, फीमेल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, एजेपी, नॉन रेसिडेंट, अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5,00,000, कितना परसेंट है बेटा? 5%. ओके, यहां तक का शॉर्टकट 12,000. 5,00,000 टू 10,00,000, 12,500 तो शॉर्टकट है ही है, प्लस 20% ऑन ओवर एंड अबव 5,00,000. About 10,00,000, 1,12,500 दिया हुआ है. इस पे करीब 7 से 8 एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे. फिर इंडिविजुअल रेसिडेंट अबाउ 60 बट बिलो 80, अबाउ 60 ईयर बट नॉट मोर देन 80 ईयर्स, अप टू 3,00,000 nil, 3,00,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, एंड अबाउ 10,00,000 30%. शॉर्टकट उसी के साथ दिए हुए हैं, क्लियर है? ओके, इसी के बाद सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में पहले 5,00,000 तक के निल, 5,00,000 से 10,00,000 20% एंड अबाउट 10,00,000 30%. क्या आपको याद है? ओके मालिक, इसके बाद कुछ माइनोट्स भी हम लोगों ने लिखी थी, उसमें पहला नोट हमारा कुछ याद होगा तो रिबेट था. ये लो पहला रिबेट, अवेलेबल टू इंडिविजुअल. जैसे कि मैंने आपको बोला था कलर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ उतने पे ही फोकस करना, आप समझ लो, पढ़ते रहोगे तो भी आपको समझ में आएगा. असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम डज नॉट एक्सीड 3.5 लाख, तो कितना मिलेगा? 2,500 और 100% ऑफ टैक्स पेबल, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, गेटिंग इट?
इसके बाद हम लोगों ने याद होगा तो सेस का पॉइंट पढ़ा था, सेस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 3%। फिर हम लोगों ने सरचार्ज पढ़ा था, याद होगा तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी के लिए, क्योंकि कल जब हम लोग टैक्स रेट्स पढ़ रहे थे फर्म के लिए और कंपनी के लिए, याद होगा तो उनके लिए टैक्स रेट्स अलग थे। तो अप टू 50 लाख्स एंड अबव 50 लाख्स, 50 लाख्स के ऊपर 10% और 1 करोड़ के ऊपर 15% का सरचार्ज आ चुका था। इस पे हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, क्लियर है? ओके। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देखा था, ये देखिए सर यहां लिखे हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, और मैंने कल आपको ये बोला था, देखो नोट्स के अंदर में अदर स्पेशल रेट्स भी लिए हैं, लेकिन ये एक समरी है जो आपको लेक्चर के एंड में समझ में आएगी, कि एक बहुत इजी समरी मैंने आपके सामने रखी हुई है और समय आने पे मैं इसे टिक करवाता जाऊंगा। एज ऑफ नाउ आपको समझना है सिर्फ दो स्पेशल इनकम, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आती है सिक्योरिटीज के लिए, उसके लिए कितना परसेंट है मालिक 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर कितना परसेंट है मालिक 20%, और नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन अदर्स नॉर्मल स्लैब रेट। इसमें हमने एक और पॉइंट पहले ही पढ़ लिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल 115BB, बड़ी बाजियां, याद रखने का तरीका, सेक्शन याद रखने का तरीका, बड़ी बाजी लिखो एरो करके, बड़ी बाजी 115BB, ये वो रेट है जो याद रखना चाहिए, 30% बड़ी बाजी, लॉटरी बड़ी एंड अदर्स, ठीक है? बाकी सब स्पेशल रेट है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, ये हम अभी नहीं समय आने पे पढ़ते हैं। ओके, फिर टोटल इनकम, इस पॉइंट पे भी हमारा डिस्कशन हुआ है क्या सर, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, याद है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, इस पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, यहां से फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, फिर से चलते हैं, हमने रिबेट के बाद एक और चीज पढ़ी थी राउंड ऑफ, 288A 288B, याद है 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनकम राउंड ऑफ होती है और टैक्स भी राउंड ऑफ होता है, इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन, एंड रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल। लास्ट फिगर पे फोकस करना पड़ता है, लास्ट फिगर 5 या 5 से ऊपर होगा तो हायर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। फिर हम लोगों ने एक और ये अलग नोट पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इफ असेसी कैनॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम, कौन सी स्पेशल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, नॉट कैजुअल इनकम, एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, इट शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस शेल बी यूज फॉर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, क्लियर है? ओके सर, तो सर देखिए आपके नोट्स में सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव दे रखी है। अच्छा, एक और चीज मैंने दे रखी है, इनकम अंडर सेक्शन 224, आपको याद होगा मैं आपको ये कभी नहीं बताता इनकम अंडर सेक्शन 224 क्या लिखा हुआ है, ये आप ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर लेते हो इनकम अंडर सेक्शन 224 क्या दिया है क्या नहीं। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम अगेन डिफाइंड, प्रीवियस ईयर वर्ड पढ़ा था, याद करो प्रीवियस ईयर इज द ईयर विच इनकम इज अर्नड, यस ये उसको एक्सेप्शन था, इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑन 31st मार्च। सर क्या है ये, सर अगर मैंने बिजनेस 1 अगस्त 2017 को शुरू किया तो मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए या 1 अगस्त, 1 अगस्त, बट ऑब्वियसली बात है हम अपना बैलेंस शीट एंड ऑल भी उतने ही पीरियड के लिए बनाएंगे, सिर्फ लिखते वक्त लिख देते 1 अप्रैल से, लेकिन अप्रैल से लेके अगस्त तक क्या आना है, जीरो, जब जीरो ही आना है तो हम उसको कुछ कंसिडर करते नहीं। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन थे, याद आ रहा है क्या, कोई कुछ कर रहा था, चिराग क्या कर रहा था, गणपति डांस, इतने में कौन आई, शिप आई, शिप से कौन उतरी, सुंदर कन्या ने बोला मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी, रॉक स्टार, ये बोला ठीक है मैं 2 काम करके आता हूं, अपना सारा सामान बेच के आता हूं और अपनी दुकान बंद करके आता हूं, जैसे ही वापस आया मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे, याद आ रहा है आपको सर, ये भी हम लोगों ने कर लिया एक्सेप्शंस। चलिए और भी कुछ पढ़ लेते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम वी हैव डन, ऑफ एनी पर्सन, याद होगा तो इससे रिलेटेड 2 डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, पर्सन एंड असेसी, याद होगा तो इसको भी खोद खाद की थी हमने, इंडिविजुअल मतलब कौन, एचयूएफ मतलब कौन, कंपनी में कौन, एओपी बीवाई एजेपी में कौन कौन, ये सारी चीजें कवर थी। फिर असेसी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, असेसी मींस एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे
tax. Achha, when I say tax, it also include any other sum, which means interest penalty or any other sum bhi agar payable raha, to bhi wo kya mana jayega? Assessee mana jayega. Clear hai? Dusra, representative assessee. Assessee deemed to be in default. Assessee in default. Covered kiye gaye. Representative assessee mein hum logon ne ek example bhi likha tha, yaad karo. Deemed to be an assessee mein. Directors, trustee, so on and so forth. To sir, agar aap dekhoge, whether we have completed page 1, yes. We have completed page 2. Page 2 mein definitions important hai, pooch sakta hai. Page 3, sirf previous year ka definition important hai, baaki kuch bhi nahi. Right? Ab main exam oriented aa gaya. Pehle pura padhana zimmedari thi. Exam oriented approach, 3 page mein se sirf 2-3 cheeze kaam ki hai. Page number 4, kuch bhi kaam ka nahi hai. Page number 5, kuch bhi kaam ka nahi hai. Exam point of view se. Page number 6, automatic kaam mein aa jayega. Page number 6 काम का है, page number 7 काम का है, page number 8 काम का है. याद करो, क्या ये rates भी हम पढ़ चुके हैं क्या? जरा देखना वाला. कल last point हम लोगों ने ये चीज की थी मालिक, yes. उसी के साथ साथ सारी details and examples भी दिए हुए हैं. अब है concept of marginal relief. ये concept बाकी है जो हम आज का objective है, आज पढ़ेंगे. लेकिन आपको याद हो तो मैंने कुछ homework दिया था. पहले 3 सम मैंने आपको बोले थे होमवर्क करना है. डन, लेट्स स्टार्ट. एक एक प्रॉब्लम मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए. मैंने आपको होमवर्क दिया था और जिन जिन ने नहीं किया वो मेरे साथ करते जाओ बेटा. मिस्टर ए एज 36 इज एन इंडिविजुअल हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 2,40,000. अच्छा, आप रजिस्टर में कैलकुलेट करेंगे ये सब, ठीक है? स्ट्रेट अवे आ जाओ सर, बताओ सर. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, टोटल इनकम 2,40,000. बताओ इस पे टैक्स क्या आने वाला है? स्ट्रेट अवे लिख दूं मालिक? नील, नील. बी 2,80,000. चेक करते रहे आंसर और साथ साथ में जिसको जम रहा है निकालते रहो. 2,80,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 की. बचा कितना? 30,000. इसे नाम देंगे इनकम. इस पर टैक्स रेट लगाएंगे 5%. टैक्स लाइबिलिटी इज इट 1,500. लेकिन क्या रिबेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. क्या पूरा 1500 लिख दूं मालिक? अच्छा, 2,500 तो नहीं लिखूंगा ना यहां पे. ओ भाई, रिफंड नहीं आने वाला. ये आ गया निल. जब निल ही आ गया तो सेस अप्लाई नहीं होगा. थर्ड, 5,90,000. क्या मेरे बच्चे को इसका शॉर्टकट पता है क्या? 5,90,000. ओके, टैक्स अप टू रुपीस 5 लाख. ये बाजू में टैक्स निकाल दो. कैन आई से 12,500 रुपए? बचता कितना है बेटा? 90,000. ये बची आपकी इनकम. इस पे टैक्स रेट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली 20%. इज इट 18,000? टोटल टैक्स 30,500. बताओ रिबेट मिलेगा? नहीं. क्या सीधा से सप्लाई करना पड़ेगा 3%? क्या इसे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा 31,420? यस मालिक.
बिल्कुल सही, वैसे ही लिखना है। नहीं आप 2-1 मत कीजिए, डायरेक्टली 3% लिखिए। डन, बढ़ो आगे। 18 लैक्स डी टोटल इनकम 18 लैक्स। अब बताओ 5 लाख तक का शॉर्टकट लूंगा या 10 लाख तक का शॉर्टकट? टैक्स अप टू 10 लाख, ये लो बाजू में निकाल दिया टैक्स, 1,12,500। कितना बचता है? 8 लाख। इसको नाम दो इनकम, इस पे टैक्स रेट अप्लाई करेगा 30%। इज इट 2,40,000 टोटल टैक्स? इज इट 3,52,500? अब बताओ सेस अप्लाई करेगा? हाँ, एट द रेट ऑफ 3%। क्या इसमें राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा 288B के हिसाब से? 3,63,080, 3,63,080। जम रहा है क्या बेटा? फोर्थ 1,50,00,000 है वो कि 15 करोड़ है? 1,50,00,000। सो ई टोटल इनकम 1,50,00,000, टैक्स अप टू ₹10 लाख, एक लाख 12,500 बचता है, 1,40,00,000 का इनकम, इस पे टैक्स रेट अप्लाई करेगा 30%। डज इट कम्स टू 4,42,00,000? टोटल टैक्स अब बताओ, सरचार्ज भी अप्लाई करेगा मालिक? एट द रेट ऑफ 10%, राइट? परफेक्ट, 15%। यस, 4,95,000, नहीं 49,59,375। अब भी कुछ बाकी है मालिक तेरे मेरे बीच में? सेस एट द रेट ऑफ 3%। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी एंड क्या इसे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा? 51,08,160 रुपीस। यस सर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। कंप्यूट द टैक्स ऑफ मिस्टर बाहुबली एज 43। कुछ नहीं दिया है मतलब रेसिडेंट अज्यूम कर सकते हो बिंदास। आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ही है। पीजीबीपी है 3 लाख रुपए, अदर सोर्सेज है 1,50,000 रुपीज।
and a total income 4,50,000 rupees. Question number 2, for Bahubali, total income 4,50,000 rupees less basic exemption limit 2,50,000 rupees. Bachta kitna hai? 2 lakh. Is pe tax rate kitne percent ka hoga? 5%. Tax liability kitne ki hogi? Is it 10,000? Kya rebate milega? Seedha se supply hoga 300 rupay ka. Final answer 10,300. Final answer 10,300. It was a very simple question. Sirf concept building ke liye tha. Kyunki aapki practice kam ho gayi hai. Ye sirf practice ke liye. Itne chiller question kabhi aayenge bhi nahi. Nahi to aapke man mein sawal uthega. Sir, IPCC wale question aap mereko final mein kara rahe ho. Bilkul sahi hai. Par tumhari IPCC ki practice chhoot chuki hai. ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस देने का, यहां आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है. चलो रीच आउट टू थर्ड क्वेश्चन. मिस्टर रंगा एज 40 इयर्स आए हैं. इसमें तो नॉर्मल और स्पेशल दोनों दिखे हैं मैंने. क्या नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है? हाँ, तो हम स्पेशल वालों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं पहले. और रंगा स्पेशल इनकम कितनी है सर? 40,000. सो 40,000 इंटू 20%, डज इट कम्स टू 8,000? यस. बाकी जितना बचा वो सब नॉर्मल में इंसर्ट कर दें सर. 6 lakh प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 7,80,000, जिसमें से टैक्स अप टू 5 lakh पता है मुझे. हाँ जी, पता है क्या जी? कितना आएगा? 12,500. बैलेंस बचा 2,80,000. इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का लगेगा मालिक? 20%. डज इट कम टू 56,000? टोटल 68,500. अब निकलेगा टोटल टैक्स. प्लस 8,000 इज इट 76,500 मालिक? इस पे क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों? इस पे क्या अप्लाई करेंगे? सेस एट द रेट ऑफ 3%. इज इट 2,295? फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 78,795. क्या हिस्से अब राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा? 7,8,800. इनकम टैक्स बहुत सिंपल सी बात करता है. इनकम टैक्स बोलता है यार, ना 5 रुपए से आपको फर्क पड़ने वाला है, ना 5 रुपए से हमको फर्क पड़ने वाला है. ना 5 रुपए से आपको फर्क पड़ेगा, ना 5 रुपए से हमको फर्क पड़ेगा. हाँ, सिर्फ तुम क्या करो, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दो. क्योंकि इतने लोग अगर राउंड ऑफ करते रहे तो आप ये सोचिए कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट को बढ़ जाएगा. लेकिन अगर राउंड ऑफ नहीं किया तो गवर्नमेंट का कितना सारा काम बढ़ जाएगा. 1 रुपए देना, 50 पैसे देना, 1 रुपए कलेक्ट करना, 2 रुपए कलेक्ट करना. इससे बेटर उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, भाई राउंड ऑफ ही कर ले. 5 रुपए से ना हमको फर्क पड़ता, ना देखो फर्क पड़ेगा. और अल्टीमेटली हम हमारे पॉकेट में नहीं डाल रहे, देश के पॉकेट में डाल रहे, ऐसा वो बोलते हैं. ठीक है, बाकी तो फैक्ट सबको पता है. चलो 3 क्वेश्चन हो गए. ये तो होमवर्क था, आज का भी तो कुछ वर्क करेंगे. करो आगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. करो फटाफट, जिसको आ रहा है करते जाओ फटाफट. आगे आगे पूछो ही मत, 10 तक के फटाफट सॉल्व कर दो.
Khalia. हां जी, अब एक से ज्यादा स्पेशल इनकम है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और वो भी कब आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते वक्त. क्वेश्चन नंबर फोर, खालिया खालिया खालिया, आ जा मेरे भाई. पहले देख ले नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है क्या. हाँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000, 30,000, 15%, 20%, 8,000, 4,500, tax 12,500. Do you agree? Normal. This comes to 8,50,000. ठीक है? Up to 5,00,000. 12,500. 3,50,000 पे 20%. इज इट 70,000? टोटल टैक्स 82,500. अब बताइए नॉर्मल और स्पेशल मिक्स करना पड़ेगा. वेदर टोटल टैक्स बिफोर सेस कम टू 95,000, क्या ऐड करना पड़ेगा मालिक, सेस 2850, 97,850, फाइनल टैक्स राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, गेम ओवर. सर सर क्या एग्जाम में इस फॉर्मेट से लेके तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा. देखिए एग्जाम में फॉर्मेट नहीं बताया हुआ है, इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल्स में देता है और प्रैक्टिस पैनल में देता है वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वर्टिकली भी वो इस तरह से ही कैलकुलेट करता है, हम वर्टिकली ना करके उसको एक चार्ट फॉर्मेट में डाल के दे रहे हैं, सो दैट्स फाइन इनफ. वैसे भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, अनलेस एंड अंटिल माय आंसर फिट इन प्रॉपर प्लेस. कम ऑन करो सॉल्व करो और. Those who have completed fourth, do come to fifth. अब इसमें तीन स्पेशल इनकम निकाल दी, मैं एक 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 स्टेप बढ़ाते जा रहा हूं. Now in question number 5 there will be three special income. Correct ना? एक दो या तीन, सिर्फ कितनी दिखेगी, दो. जब तक 111 बोला नहीं, इसे क्या पकड़ेंगे, नॉर्मल. जागीरा शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A 75,000 इंटू 15% इज इट 11,250, स्पेशल टैक्स 19,250. डू यू अग्री विथ मी ऑल एवरीबडी, डू यू अग्री विथ मी? Now,
जो बची सब नॉर्मल, 6 लाख प्लस 1 लाख 50,000 प्लस 30,000 नॉर्मल टैक्स 68,500, डू यू अग्री? टोटल टैक्स कम्स टू 87,750, हाँ या नहीं तो बोल दो, हाँ या नहीं तो बोल दो। 2633, नाइन जीरो थ्री एट थ्री, इसे भी क्या करना पड़ेगा? सेवेंटी सिक्स करेक्ट तो है, यहां पे पॉइंट में भी आया था तो मैंने तो हायर साइड ही ले लिया। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, यहाँ 50 पैसे मान लो आपने लिख भी लिया, नीचे भी 50 पैसे आ गया, तो भी मेरे को फाइनल आंसर यू नो पता ही था कि वो लोअर साइड होने वाला है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ गलत किया है। डन सर, पॉइंट में आप लिख लो, बट कभी भी वो अगर आप सॉफ्टवेयर्स भी देखोगे ऑफिसेज के, तो पॉइंट नहीं लेता, वो हायर ही ले लेता सीधा, 50 पैसे से कहीं फर्क नहीं पड़ता। आजकल पॉइंट में सिर्फ बैलेंस शीट बनती है, वो भी बोगस, ये दिखाने के लिए कि कंफर्म पूरी कंप्लीट फिगर नहीं है। यस सर, डन। क्वेश्चन नंबर 5, भिड़े रहो। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर दिलावर, आई थिंक सिर्फ एक स्पेशल इनकम के साथ वर्क कर रहा है। हाँ जी, सिर्फ एक स्पेशल इनकम के साथ वर्क चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, दिलावर, स्पेशल रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एट थाउजेंड इन टोटल नॉर्मल, 3,80,000, डू यू अग्री? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, एक लाख 30,000 पे 5%, 6,500 टोटल टैक्स, 14,500। बताओ क्या रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधा क्या अप्लाई होगा? सेस। Is it 1,4,
940. देख के तो नहीं लिख रहे ना, खुद सॉल्व कर रहे हो ना? बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट, फाइनल आंसर बोलो सीधा. 41920. एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? यू नीड मी टू सॉल्व इट? Then, question number 8. ₹1,03,720. Another answer, contradiction. 90850. और किसी का कोई जवाब? ऐसा क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8 में जो दो आंसर आ गए? हाँ जी, हाँ, जो मेरे भाई ने ना देखा नहीं. जैस्मिन की एज 85 है. आंसर कौन सा करेक्ट आएगा? 90850. चेक, यहां पे एज कंसिडरेशन है. हर प्रॉब्लम इतनी इजी भी नहीं दे सकता सर मैं. So I think first chapter is completed, right? In toto. इसमें सिर्फ एक चीज हम लोगों ने नहीं की है, मैं अभी भी बता दूं और समय आने पे एक साथ करते जाएंगे, और वो है कौन सा बेटा? ये देखो, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और एक मार्जिनल रिलीफ जो अभी मैं बताऊंगा. ये देखिए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ये वाला पॉइंट समय आने पे हम बताते जाएंगे. ये एक बहुत बड़ा अल्ट्रा शॉर्टकट है, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट बाकी है, मार्जिनल रिलीफ. आओ वो पढ़ लेते हैं और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली एंड करते हैं. गिव द हेडिंग मार्जिनल रिलीफ. गिव द हेडिंग मार्जिनल रिलीफ. Done, sir. Now, if I tell you to calculate tax on 50 lakh, do an experiment. And if I tell you to calculate tax on 51 lakh, speed up, nikalo tax jaldi se. Aapko pata hoga, surcharge 50 lakh se hi aa chuka hai. Theek hai? To ab dekho, kya effect hota hai? 50 lakh pe tax calculate karo, for a normal person. Up to 10 lakh rupees, you will have 1,12,500. Do you agree with this point? 40 लाख रुपए बचेंगे, इस पे डायरेक्टली कितना परसेंट अप्लाई होगा मालिक? 30%. 40 लाख इनटू 30% कितना आया सर? 12 लाख प्लस 1,12,500. Does it comes to 13,12,500? या टैक्स, क्या सरचार्ज अप्लाई करेगा? नहीं. इफ इट exceeds 50 lakh तो ही apply करेगा. यानी सीधा सीधा मेरे को क्या apply करना है? सेस.
39375. Final answer 13,51,875 or 880 after round off. ठीक है, for the time being मैं round off नहीं रख रहा हूं, सिर्फ समझाने पर्पस के लिए. ठीक है, अब 51 लाख पे टैक्स निकालो. चलो 51 लाख में समझ लेना, 10 लाख तक का तो आपको पता ही है 1,12,500, रिमेन 41 लाख जिस पे 30% आएगा. इज इट 12,30,000? Is it 13,42,500 टैक्स? अब बताओ क्या सरचार्ज भी आएगा एट द रेट ऑफ 10%? वन फोर सेवन सिक्स सेवन फाइव जीरो प्लस क्या एड होगा इसमें? सेस एट द रेट ऑफ 3%. 44302.5 आता है, मैं डायरेक्टली 3 ले रहा हूं. 15,21,053 बराबर. नाउ माय फ्रेंड अंडरस्टैंड, मैंने एडिशनल इनकम कितने रुपए कमाई? 1 लाख. ठीक है, मेरा एडिशनल इनकम हुआ 1 लाख, लेकिन एडिशनल टैक्स कितना पे कर रहा हूं जरा चेक करना वाला. 15,21,053 - 13,51,875 169,178 ये मेरा एडिशनल टैक्स हुआ. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन. ठीक है, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं. राइट, असेसिंग ऑफिसर हाँ भाई लाओ, चलो तुमने 51 लाख रुपए कमाए, तुमने 1 लाख एडिशनल कमाया, लाओ भाई लाओ, चलो उसके ऊपर 1 लाख अराउंड रफली 1,69,000 व्हाटएवर अमाउंट आपको अब देना है. असेसी क्या कितना वापस बोल. आप सुने नहीं, आपने इनकम एडिशनली कितनी कमाई? 1 लाख. आपको टैक्स कितना देना है? 1,69,178. चलो लाओ, निकालो जल्दी, चलो जल्दी निकालो. असेसी नहीं मतलब मैं कौन, बेवकूफी ना, मैं तो बेवकूफ हूं. ये कौन सा कानून हुआ? कमाओ 1 लाख, देना कितना? 1,70,000. इसको बोलते घर बेच के सत्यनारायण करना. कमाया कितना? 1 लाख. टैक्स कितना दे रहा? 1,70,000. आप बोलते हो इनकम टैक्स में मैक्सिमम टैक्स रेट कितना लिखा हुआ है? 30%. ये 170% टैक्स हुआ, ये 30% नहीं 170% टैक्स हुआ. वेर इन अ पर्सन अर्न 100 रुपीज एंड ही हैज टू पे रफली 170 रुपीज. ये कौन से देश का कानून है? इसीलिए बोलते इंडिया इज इनटॉलरेंट. कमाया कितना मालिक? 1 लाख. टैक्स एडिशनली कितना दे रहा हूं? हाँ सर, पर वो कानून है सरचार्ज रिबेट, यू नो काय का, यू नो का, मेरे को क्या लेन देन है सरचार्ज जो कुछ भी हो. इन एनी केस द टैक्स वुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ माय इनकम प्लस 3% सेस. ये कौन सा कानून हुआ? कमाओ 1 और 2 1,70,000 रुपए. ऐसा करना है तो मैं नहीं खेल रहा. हट, ये क्या लॉजिक हुआ? आप खुद सोच के देखो. एडिशनल इनकम 1 लाख, एडिशनल टैक्स 1,70,000. कौन से देश का कानून करता है यार ऐसा? कौन करता है भाई? लग रहा है कुछ गलत है लाइफ में. इसको सुधारने के लिए आया मार्जिनल रिलीफ. ये सिर्फ नाम का रिलीफ है, रिलीफ नहीं है. आइए मैं आपको बताता हूं मार्जिनल रिलीफ में करते क्या है. सर अंडर मार्जिनल रिलीफ, अंडर मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट बोलती है देखो अब इस तरीके से तुमने टैक्स निकाल दिया, अब मार्जिनल रिलीफ के तरीके से टैक्स निकालो. मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट कहता है स्लाइटली इनकम जब आपकी बढ़ जाए, स्लाइटली जिसके कारण टैक्स इज मोर देन इनकम अर्न. मार्जिनल रिलीफ कब और कब मिलता है बेटा? व्हेन टैक्स इज मोर देन इनकम अर्न. आपकी इनकम से ज्यादा का भी अगर टैक्स हो जाए तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर जाता है. और उस केस में वो बोलता है
ये सिचुएशन अराइज हो रही है बिकॉज़ द इनकम इज मार्जिनली इंक्रीज्ड. यही अगर 53 लाख की इनकम होती थी तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता भी नहीं था बिकॉज़ इन दैट सिचुएशन टैक्स वुड हैव बीन लोअर देन इनकम अर्न्ड. तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन टैक्स इज हायर देन इनकम अर्न्ड. ठीक है, उस केस में वो बोलता है यू डू वन थिंग, कैलक्युलेट टैक्स अप टू 50 लाख. मान लो आपकी इनकम अगर 51 लाख है तो डू वन थिंग, कैलकुलेट ऑफ टैक्स अप टू 50 लाख. 50 लाख तक के टैक्स निकालो. जैसे आप निकालते हो, आओ इधर, 50 लाख तक का टैक्स यहां पड़ा है, ये देखो 13,12,500. ठीक है, अब सरकार का सुपर हिट फॉर्मूला सुनना. ये आपने ऐड कर दिया. अब जितनी एडिशनल इनकम कमाई, क्या बोल रहा है वो, जितनी एडिशनल इनकम कमाई पूरा का पूरा इनकम टैक्स को ऑफर कर दो. यानी क्या, ऐड द एडिशनल इनकम, ऐड द एडिशनल इनकम. आपने जितनी एडिशनल इनकम कमाई पूरी सरकार को ऑफर कर दो. योर टैक्स वुड कम टू 14,12,500 और इसमें अब सरचार्ज मत ऐड करो, सीधा सीधा सेस ऐड कर दो 3%. 42,375. फाइनल आंसर 14,54,875. फाइनल आंसर 14,54,875. दिस इज हाउ टैक्स टू बी कैलकुलेटेड. तो एक आम आदमी ने पूछा रिलीफ कहां है, एक आम आदमी ने पूछा अबे इसमें रिलीफ कहां है, पूरा तो 1,00,000 रुपए मैंने लिया और सरकार को दे दिया. सरकार बोलती शायद तूने देखा नहीं अच्छी से, देखो रिलीफ मिला ना, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाता तो कितने का टैक्स लगता, 15,21,053 रुपए. और इस कॉन्सेप्ट से हम तेरे को टैक्स कितना लगाने बोल रहे, 14,54,875. नहीं दिख रहा देखो रिलीफ. मुझे बताओ, जो हम बात कर रहे थे अच्छे दिन आएंगे, सरकार के हिसाब से आ गए अच्छे दिन, यहां कौन से अच्छे दिन दिख रहे. अब मुझे एक बात बताओ, आदमी क्या बोलता, साला 1,00,000 कमाना और 1,00,000 कमा करके किसको दे देने का, गवर्नमेंट को दे देने का, इससे बेटर तो मैं कमाऊ ही नहीं. अब इस केस में होता है दो चीजें, या तो अपनी इनकम 51 लाख के आगे दिखाता है आदमी, या तो अपनी इनकम 50 लाख से भी कम दिखाता है. और 99.999 केसेस में वो अपनी इनकम 50 से नीचे दिखाएगा, टैक्स प्लानिंग करेगा. यहां पे सरकार ने सिर्फ नाम के लिए रिलीफ दिया है, एक्चुअली रिलीफ है ही नहीं, क्योंकि जितना इनकम वो कमा रहा है उतना इनकम तो वो सरकार को दे दे रहा है, फिर किस बात का रिलीफ. सरकार बोलती रिलीफ, आदमी क्या बोलता, ओ काय का रिलीफ दिया इसमें, 1,00,000 जो कमाया था वो तो पूरे तुमको समर्पण कर दिए. फिर एक लाइन याद आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जितना कमाया उतना तो पूरा दे दिया, कमाया क्या तुमने. तो 1,00,000 आदमी बोलता है 1,00,000 कमाया क्यों मैंने, मेरे को ही नहीं मालूम, उससे अच्छा इतने देर बीवी बच्चों के साथ रहता तो वो तो खुश होते. अरे यार धनमी की दुकान में वो बोलता, अरे यार इतने देर तो साला मैं बीवी बच्चों के साथ रहता तो खुश हो जाते वो. सो दिस इज द सिचुएशन बॉस. इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ निकलता है. जरा सोचिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ट्रायल एंड एरर मोड लिया. ट्रायल एंड एरर मोड के लिए 50 लाख का कॉन्सेप्ट उठाया. सर क्यों, क्योंकि सरचार्ज लगता है यहीं से और ये जो टैक्स इंक्रीज हुआ है द रीजन इज मेजरली सरचार्ज. तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट आता है. मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, व्हेन टैक्स इज हायर देन इनकम अर्न्ड. यहां देखिए, कमाया 1,00,000 लेकिन उस पे टैक्स आ रहा है 1,60,169,000, रफली 1,70,000 पकड़ लो. अब सरकार बोलती है कि हम तुमको रिलीफ देंगे. कैसे रिलीफ देंगे, कैलकुलेट द टैक्स अप टू 50 लाख. 50 लाख तक के जैसे टैक्स कैलकुलेट करना है वैसे ही करो, प्लस उसमें तुम जितनी एडिशनल इनकम कमाए हो वो पूरी ऐड कर दो. अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमसे सरचार्ज नहीं लेंगे. और उस पे सिर्फ क्या अप्लाई करना है, सेस. फाइनल टैक्स निकल जाएगा आपका. फिर आदमी पूछता रिलीफ कहां है, उन्होंने बोला देखो ना रिलीफ दिया, 15 लाख तुम्हारा टैक्स आ रहा था, अब तुम्हारा टैक्स 14,50,000 रुपए आ रहा है. रिलीफ क्या दिया तुमको, रिलीफ. आदमी बोलता बराबर है, ये बराबर
रिलीफ मिला, देखो रिलीफ लिखा है, हाथ में बोलता ये देखो रिलीफ लिखा है, देखा नाम का रिलीफ है, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा था, इसी पर नाम का रिलीफ है। और आपको फाइनल में कभी ये पूछते नहीं, पर कॉन्सेप्ट है तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, फाइनल लेवल पे कभी नहीं पूछा जाता ये कॉन्सेप्ट कि भैया मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट दिस वाज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन फाइनल। तो बेसिक चैप्टर से हमने क्या सीखा, कुल मिला के सीखने लायक काम सिर्फ एक है, हाउ टू मेक अ टैक्स कैलकुलेशन। बाकी इस चैप्टर से दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन के अलावा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन और उसके एक्सेप्शंस, इनको छोड़ के इसमें से कुछ काम करनी है एग्जाम बढ़ना फिर से। गेटिंग इट और नॉट, इज दैट डन? मार्जिनल रिलीफ का एग्जाम्पल लिखा आपने मालिक, ये लिखा आपने, लिख लो जल्दी से। रिलीफ, डन सर, हाँ जी डन। ओके, सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑन डे थर्ड, दैट इज बेसिक्स। आई होप कि बेसिक्स बहुत क्लियर हुए होंगे, गेटिंग इट और नॉट। नाउ जैसा कि मैंने बोला था मॉड्यूल वन का अब हम सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। मॉड्यूल थ्री का अब हम सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम। सर देखिए, व्हाई वी आर स्टार्टिंग अप विद रिटर्न ऑफ इनकम, व्हाई नॉट हेड्स? बिकॉज हेड्स देखिए कहीं ना कहीं आपको आते हैं। अभी पहले वो टॉपिक पढ़ लीजिए जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनल पे, पहले वो टॉपिक पढ़िए। और असेसमेंट्स से लेके एडवांस रूलिंग तक के जितना भी है ये सब बहुत बड़ा वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? और ये सारा गेम असेसमेंट का शुरू होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से। अनलेस एंड अंटिल रिटर्न इज फाइल्ड, असेसमेंट्स के गेम शुरू नहीं हो सकते। इसीलिए रिटर्न ऑफ इनकम प्लेज अ वेरी वेल इंपॉर्टेंट रोल। टेक अ फ्रेश पेज रिटर्न ऑफ इनकम, आपके पास नोट्स होगी, जस्ट नोट्स के एक बार गो थ्रू किए, नोट्स को एक बार गो थ्रू किए। रिटर्न ऑफ इनकम अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मेरी एक हैबिट है, मैं आपको सेक्शन पूरे रिकॉल करवा के देता हूं कि कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है? सबसे पहले तो सेक्शन पे आ जाइए। डन सर, ओके कम सर। सेक्शन रिटर्न अगर मैं बात करूं, डन, चार तरीके से फाइल किए जाते हैं। पहले इस पॉइंट पे आइए, देर आर फोर मोड्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, देर आर फोर मोड्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। फर्स्ट, वॉलंटरीली आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न? इसे वॉलंटरी इसलिए भी कहा जा सकता है और इसे मैंडेटरी भी कहा जा सकता है। मैंडेटरी एंड वॉलंटरी फाइलिंग दोनों 139 के अंदर में कवर्ड होती है। द अनदर मोड ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज थ्रू एम्प्लॉयर। कुछ सिटीज के अंदर में ये एक ऑप्शन एड ऑन किया गया था, वेर इन एक एम्प्लॉई वर्क होने के कारण 31 मार्च को ऑफिस से छुट्टी लेकर के रिटर्न फाइल करने तो जा नहीं सकता, तो उसको एक ऑप्शन दिया गया था कि यू डू वन थिंग, यू फाइल योर रिटर्न विद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर विल डू
फाइलिंग्स ऑन योर बिहाफ. तो ये एक ऑप्शन ओपन किया गया था. द थर्ड वन इज टीआरपी. सीए के वजूद मिटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, टीआरपी. ये वो टीआरपी नहीं जो आप टीवी में सुनते हैं. टीआरपी स्टैंड्स फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, गवर्नमेंट का हद वाहियात फालतू प्लान. ठीक है. और चौथा है रिटर्न आफ्टर अ नोटिस अंडर सेक्शन 142. कई बार आप रिटर्न नहीं भरते और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी डिटेल है, वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कई सालों से. लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. मान लीजिए आपने पहले साल के लिए रिटर्न भरा, दूसरे साल के लिए रिटर्न भरा, तीसरे साल के लिए रिटर्न भरा, चौथे साल के लिए आपने रिटर्न नहीं भरा और पिछले साल से असेसिंग ऑफिसर आपको ट्रैक कर रहा है ये देखने के लिए कि आपके मूवमेंट्स क्या होते हैं. आपने जैसे रिटर्न नहीं भरा, राइट, वैसे ही पूरा का पूरा उसके सामने एक लिस्ट आ जाती है और उसके तहत वो आपको क्या देता है, एक नोटिस भेजता है और बोलता है भाई साहब आपने अपना रिटर्न नहीं भरा, कृपया अपना रिटर्न भरिए. गेटिंग इट और नॉट. अब रिटर्न से भी पहले और भी कुछ चीजें हैं, जरा समझ लेते हैं. पूरा रिटर्न का चैप्टर 139 से लेकर के 140 तक के डील करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा. वॉलेंट्री रिटर्न, इसे मैंडेटरी रिटर्न भी कहते हैं, 139 के अंदर डील करता है. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न 139(1) के अंदर डील होता है. फिर कुछ स्पेसिफिक persons के रिटर्न के प्रोविजन 139(4) ए बी सी डी ई के तहत गवर्न होते हैं. लॉस रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, लॉस रिटर्न 139(3). सर कैसे याद रखेंगे सेक्शन को? याद रखने का तरीका, जिंदगी में तीन ही चीज हो सकती है, प्रॉफिट फर्स्ट, बीईपी सेकेंड, लॉस थ्री, 139(3). चौथा है बिलेटेड रिटर्न, अगेन इंपॉर्टेंट, 139(4). 139(4) सेक्शन को याद रखने का तरीका, जब आप लेट हो गए आप चार कंधों पे जाएंगे. जब आप लेट हो गए कितने कंधों पे जाओगे? चार. बिलेटेड रिटर्न. फिर है रिवाइज रिटर्न. सबसे ज्यादा काम तो खैर आपने इसी पे किया है, 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न. 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न. 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न, इसमें से वो सेक्शन जिनके नाम आपको कभी भी याद होने चाहिए, हाईलाइट दिस और पुट अ स्टार मार्क. एक, दो, तीन, चार, ये वो सेक्शन है जिनके नाम आपको कभी भी याद होने चाहिए. देर आर 298 सेक्शन इन डीटी, पर मैं कभी फोर्स नहीं करता सेक्शन याद करने पे, एक्सेप्ट वेर इन इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. फिर रिटर्न के साथ डिटेल क्या फर्निश करनी है, वो 6 और 6A में लिखा होता है, हालांकि हम इसको देखते नहीं ऑफिसर्स में. आपको भी पता है कि उसके अंदर में क्या क्या डिटेल करनी है, सॉफ्टवेयर खुद अटैचमेंट देता है, हमको वो अटैचमेंट मार देने होते हैं सीधे सीधे. फिर एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न, नॉट इंपॉर्टेंट. ई रिटर्न 139(1) भी कुछ लोगों को ई रिटर्न मैंडेटरी किया गया है. बल्क रिटर्न, ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं. बल्क रिटर्न इज टेक्निकली एक साथ कई रिटर्न को सबमिट करने का पॉइंट था जो एम्प्लॉयर करता था एक साथ. फिर टीआरपी जो अभी हमने बात करी, पावर ऑफ बोर्ड 139(c), सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कुछ पावर है कि कुछ लोगों को वो एग्जम्प्ट करता है फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, हालांकि एज ऑफ नाउ इसके अंदर में कोई गवर्न नहीं हो रहा है. फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पैन एंड आधार, यस, इस बार ये याद रखना है, आधार एंड हु विल साइन द रिटर्न, हु विल वेरीफाई द रिटर्न, ये भी याद रखना है. ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है. ये मत याद रखना, 285BA मत याद रखना. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग द रिटर्न बिल्कुल याद नहीं रखना है. ये देखिए चैप्टर 141, 141A और 146, ये ओमिटेड सेक्शन है, एक्ट ने इन्हें ओमिट कर दिया है. 142 से असेसमेंट शुरू हो जाता है, यानी ये चैप्टर कहां से कहां तक डील कर रहा है. अगर मैं आपको सीधे सीधे बात करूं तो ये चैप्टर 139 से लेकर के 140 तक के ही डील करता है, या 141 तक के ही डील करता है. अब सुनो, अगर मैं एक शॉर्टकट बनाना चाहूं तो सेक्शन 139 रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करता है, 140 साइन ऑन रिटर्न के बारे में बात करता है और हु विल वेरीफाई द रिटर्न, 140A सेल्फ असेसमेंट्स के बारे में बात करता है, ये असेसमेंट प्रोसीजर में देखेंगे, और 141 ये ओमिट हो चुका है, यानी इस चैप्टर को बस इतने ही सेक्शन है. गेटिंग इट और नॉट?
इसके सब सेक्शन से जो हम मेन पढ़ते हैं इस टॉपिक में, गेटिंग इट और नॉट। रिटर्न फाइलिंग के चार मोड, वापस बताओ मुझे, या तो मैंडेटरी करोगे, या तो एम्प्लॉयर के थ्रू करोगे, या तो टीआरपी के थ्रू करोगे, या तो फिर नोटिस के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल करोगे। गेटिंग इट और नॉट? ओके, चलो सर एक एक करके शुरुआत करते हैं। डन, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया। सर चैप्टर का वेटेज कितना है? चैप्टर का वेटेज नॉट मोर देन 4 मार्क्स। चैप्टर का वेटेज नॉट मोर देन 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन मैंडेटरी टॉपिक है, आता ही है ये कॉन्सेप्ट, आता ही आता है, तो 4 मार्क्स के लिए मैंडेटरी टॉपिक है। ओके जी। सर रिटर्न फाइलिंग के चार मोड, बस ये एक बार मेरे को वापस बोल दो, कौन से चार मोड? या तो मैं खुद होके करूंगा, या तो एम्प्लॉयर के थ्रू करूंगा, या तो टीआरपी के थ्रू करूंगा, या तो नोटिस में करूंगा। उसमें भी याद रखने वाले दो ही मोड है, या तो 139 या तो 142, दो ही याद रखना, ये बीच के याद मत रखना, पढ़ना भूलना और छोड़ भी देना। क्लियर है? सबसे पहले 139 के ऊपर आते हैं। जैसे आप जाओगे लॉजिकल सीक्वेंस दिया है, 139 के ऊपर चलते हैं। 139(1) रिटर्न फाइलिंग, ये पढ़ाने से पहले ना मुझे हमेशा लगता है मैं एक एवरेज बच्चा हूं, पहले मुझे जीरो समझाया जाए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आर्टिकलशिप डमी होती है, या आज तक के ऑफिस में कभी रिटर्न फाइलिंग का काम ही नहीं मिला, बेचारे वाउचिंग में ही मर गए। ऐसे भी लोग होते हैं, गेटिंग इट नॉट? ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कभी रिटर्न का काम ही नहीं मिला, राइट? और ये जो टॉपिक है ये CA CS CWA के लिए पूरा कॉमन टॉपिक है। क्लियर है? वहां पे भी असेसमेंट है CA CS CWA, और ये कॉमन टॉपिक्स है जो हम डील करने जा रहे हैं। ओके मालिक, जरा समझना। पहली बात सर, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कहां होता है? देयर आर 2 मोड। पहला फिजिकल मोड भी है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मोड भी है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स .gov.in वेबसाइट पे विजिट करना पड़ता है, या आप गूगल पे डाल के ई फाइलिंग इनकम टैक्स भी डालेंगे तो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे लेके जाता है। फिजिकल अगर आपको करना है तो आपको वार्ड में सबमिट करना पड़ेगा। कहां सबमिट करना पड़ेगा? वार्ड। अब पूरा चैप्टर आप किसी भी बुक में पढ़ लो, कहीं नहीं सिखाया जाता वार्ड मतलब क्या है, और इनफैक्ट माइट बी पॉसिबल आपके आर्टिकलशिप में आप कभी विजिट भी नहीं किए होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पर ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसके आगे आपको ये करना पड़ेगा। सर दो कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है रेंज और दूसरा होता है वार्ड। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट समझना, रेंज और वार्ड। देखिए जो सिटी होती है, जनरली अगर एक स्मॉल सिटी होगी तो वहां पे रेंज नहीं क्रिएट होता, सिर्फ वार्ड क्रिएट होता है, लेकिन अगर बड़ी सिटी होगी तो रेंज भी क्रिएट होते हैं। ये सुनो, लेट्स से अ सिटी लाइक पुणे। अब इस पूरे पुणे को अकोमोडेट करने के लिए आप इमेजिन करके देखो, पुणे बहुत बड़ी सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये इतनी बड़ी बड़ी सिटीज है जहां पे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सफाई सी नहीं कर सकता। तो पूरी सिटी को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है एरिया वाइज। पूरी सिटी को डिवाइड कर दिया जाता है एरिया वाइज, और इस एरिया वाइज को हम बनाते हैं Range 1, Range 2, Range 3, Range 4, ऐसे रेंज में डिवाइड कर दिया जाता है, और इन हर एरिया के CCIT और CIT अलग कर दिए जाते हैं, और उस एरिया का एक ज्यूरिसडिक्शन बना दिया जाता है जिसको नाम दे दिया जाता है रेंज। अब इसके अंदर जो भी पर्सन फॉल हो रहे होंगे, कुछ याद आ रहा है? पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, कंपनीज, सब इस रेंज के अंदर में कवर होंगे, और इनका पूरा असेसमेंट इस रेंज के साथ डील होगा। अब रेंज मतलब क्या? एक एरिया बन गया। लेट्स गिव एन एग्जांपल, मान लो रेंज 3 के अंदर पुणे का पूरा पेट एरिया आ रहा है, सोमवार पेट से लेकर के रविवार पेट तक के पूरा पेट एरिया आ रहा है, तो ये पेट एरिया, राइट, नवी पेट से लेकर सो एवरी पेट एरिया, ये रेंज 3 में कलेक्ट हो गया। अब रेंज 3 में भी आप इमेजिन करो, सारे रिटर्न एक ही जगह पे चले गए, एक डिपार्टमेंट, सारे लोग एक ही जगह पे चले गए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का कितना बड़ा बर्डन बढ़ जाता था, सबसे पहले तो उस रिटर्न को क्लासिफाई करने में, इंडिविजुअल के कितने, फर्म के कितने, कंपनी के कितने, AOP BOI के कितने। तो उन्होंने रेंज के अंदर क्रिएट किए वार्ड्स। जैसे रेंज 3 अगर हमने बोला तो उसके अंदर वार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। वार्ड्स मतलब क्या? देखो ऐसा होता है 2-1, 2-2, 2-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 1-5, ऐसे अलग अलग वार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। अब इस वार्ड के अंदर बोला जाता है जितने भी इंडिविजुअल हैं ये जाकर के 2-1 में अपना रिटर्न सबमिट करेंगे। यानी क्या? देखिए फिजिकली समझाता हूं, मान लो एक
एक पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो बोला जाता है फर्स्ट फ्लोर पे जाके सारे इंडिविजुअल अपना रिटर्न सबमिट करेंगे, फर्म वाले टू में जाके सबमिट करेंगे, कंपनी वाले थ्री में जाके सबमिट करेंगे. दिस इज वॉल्ड, क्योंकि आपने याद करो जब जब भी रिटर्न भरा होगा तब तब ये एक चीज ऑटोमेटिकली आई, ये पैन कार्ड डालते ही. पहले जब हमारा टाइम था, जब तक के इतना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ था, तब तक हमको ये हाथ से डालने पड़ते थे. और अगर कभी फिजिकल सबमिशन मारना पड़े डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि लास्ट डे पे ऐसा होता है कि वेबसाइट वर्क नहीं करती 99% ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द डेटा, तो ऑफिस में ऑफिस बॉस बोलता है काम कर, फट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा और वार्ड में सबमिट करके आ. आपने कभी ढूंढा नहीं, आप सिर्फ वहां जाते थे और वार्ड पूछते थे. आज उसका मीनिंग समझ रहे हैं क्या वार्ड क्या होता है? तो 2-1 के अंदर इंडिविजुअल को बोल देगा, 2-2 के अंदर बोल देगा जा जाके फर्म को कर, 2-3 के अंदर बोलेगा जा जाके कंपनी ट्रस्ट एओपी बीओआई. और ये सेग्रीगेशन खुद सीआईटी सीसीआईटी करते हैं उस एरिया के, मतलब ये कहीं से प्रीडिफाइंड नहीं है, ये उस एरिया के सीआईटी सीसीआईटी डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड दे आर हैंडलिंग उसके ऊपर ये और वार्ड बढ़ा सकते हैं और वार्ड कम कर सकते हैं, कई वार्ड मिक्स कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है मान लो मेरे एरिया के अंदर में ट्रस्ट एओपी बीओआई बहुत कम है, तो मैं 6-3 के अंदर ही कंपनी ट्रस्ट एओपी बीओआई को फिक्स कर दूंगा. गेटिंग इट और नॉट? ये है रेंज और वार्ड. सर सर मुझे नहीं पता मेरा रेंज या वार्ड कहां है, क्या मैं पता कर सकता हूं? जी हां, आप इनकम टैक्स india.gov.in वेबसाइट पे जाइए और इसके अंदर में नो योर ज्यूरिसडिक्शन डालिए. यस और नो? नो योर ज्यूरिसडिक्शन. तो अगर आपको आपका रेंज या वार्ड पता करना है तो आपको इनकम टैक्स india.gov.in वेबसाइट पे जाना है और यहां पे नो योर ज्यूरिसडिक्शन एरिया में जाना है. वहां जाकर के आपको आपका पैन नंबर सबमिट करना है. क्या सबमिट करना है? पैन नंबर. पैन नंबर आप जैसे ही सबमिट करोगे आपकी इसमें पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपका पैन कब बना था, कहां से बना था और ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है. आपको रिटर्न अब उस वार्ड के अंदर में डालना है. सर मान लो मैंने जो रिटर्न भरा वो 2-1 में भरना चाहिए था, मैं चले गया 2-2 के अंदर में, आता का है? पहली बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही आपको बोलते हैं ये फॉर्म इधर का नहीं है, तिकड़े जाऊन सबमिट करा. पर मान लो गलती से उसका भी ध्यान नहीं था, उसने भी स्टैम्प मार दिया और आपका गलत वार्ड में चले गया, इसका क्या इंपैक्ट है? मालिक अगर आपका रिटर्न गलत वार्ड के अंदर में चले गया तो मान लेना आपने रिटर्न कभी सबमिट ही नहीं किया. ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने रिटर्न कभी सबमिट ही नहीं किया है. उसके लिए फिर या तो डिफेक्ट बताना पड़ता है एओ को कि हमने रिटर्न भरा था लेकिन गलत जगह चली गया, फिर वो उसको रेक्टिफाई करता है. गेटिंग इट और नॉट? तो ये है रेंज और वर्ड. तो रिटर्न ऑफ इनकम फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के थ्रू सबमिट किया जाता है. ओके, फिजिकली सबमिट करना है तो कहां जाना पड़ता है बेटा? वार्ड या एप्रोप्रिएट रेंज ढूंढ करके. कैसे जा सकते हैं? ये उसका स्टेप्स है, आप इस स्टेप्स के थ्रू जा सकते हो. सर एक और चीज, सर रिटर्न ऑफ इनकम मुझे कौन सा रिटर्न अप्लाई करेगा ये कैसे पता चलता है? मतलब रिटर्न ऑफ इनकम कौन सा फाइल करना है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपकी इनकम के बेसिस पे. काय के बेसिस पे पता चलता है मालिक? इनकम के बेसिस पे. यानी क्या? कितने अजूबे बेटा इस दुनिया में? 7. आईटीआर भी 7 है, इनकम टैक्स रिटर्न. 7 अजूबे इस दुनिया में, 7 आईटीआर इस दुनिया में, और 7 आईटीआर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्नड, हेड्स ऑफ इनकम अर्नड के बेसिस पे. मान लो कोई एसएससी की एक नॉर्मल इनकम होगी, बहुत ज्यादा यू नो तकलीफ नहीं है, उसको 1 में डाला है, 2 में डाला है, 3 में डाला है. बिजनेस अगर करता होगा, पार्टनरशिप फर्म अगर होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसका पार्टनर होगा 3 के अंदर में जाएगा, 4 होगा बिजनेस एंड कैपिटल गेन पूरा डिटेल रिटर्न जाता है, 5 और 6 कंपनीज के लिए एसएससी, कंपनी एज एसएससी के लिए जाता है. और ये आपको डिटेल्स मिल जाएगी इनकम टैक्स india.gov.in पे. डाउनलोड करके एक ऑप्शन आता है जिसमें आईटीआर में कौन सी इनकम किसके लिए जाती है, वहां से आपके लिए आईटीआर मिल जाएंगे. गेटिंग इट और नॉट? ओके सर, सर मुझे बताइए, सर मान लो मेरा इनकम नहीं था उस हेड का और मैंने वो आईटीआर फिल कर दिया. इनकम नहीं था उस हेड का, वो आईटीआर फिल कर दिया. पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका रिटर्न गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना ही होगा कि आप उन कॉलम्स में निल 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 लिखते जाएंगे. लेट्स गिव एन एग्जांपल, यू जस्ट हैव सैलरी इनकम एंड अदर सोर्सेज इनकम और एचपी का कुछ भी नहीं है. लेट्स गिव एन एग्जांपल, तो उस केस में आप आईटीआर 1 तो भरेंगे ही भरेंगे. आई होप आपने भरे कहीं आईटीआर 1 भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन बाकी कॉलम्स में आप क्या करते जाते हो? निल निल के रिटर्न सबमिट करते जाते हो. ओके सर, सर मुझे एक और चीज बताइए,
क्या रिटर्न ऑफ इनकम आज फिजिकली भी एक्सेप्टेड है क्या? कुछ लोगों के लिए रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरीली ई रिटर्न है, आज उनके रिटर्न फिजिकल फॉर्म से नहीं जा सकते, उनको मैंडेटरीली ई रिटर्न ही सबमिट करने पड़ते हैं। सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? दो एग्जांपल देता हूं, एक क्यू, पहला कंपनी कंपलसरीली ई रिटर्न जाता है, और दूसरा ऑल दोज असेसी हु आर लायबल टू टैक्स ऑडिट, इनके रिटर्न भी कंपलसरीली ई रिटर्न जाते हैं, इनके रिटर्न भी कंपलसरीली ई रिटर्न जाते हैं। तो रिटर्न कुछ जगह पे फिजिकल है, कुछ जगह पे क्या है बेटा, मैंडेटरी। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, रिटर्न फाइल कर दिया और मुझे बाद में गलती मिली, तो क्या मैं डिपार्टमेंट से वापस रिटर्न निकाल करके उसको रेक्टिफाई करके वापस सबमिट कर सकता हूं, या देर इज अनदर रिटर्न फॉर इट, देर इज अ रिवाइज रिटर्न फॉर इट? आप वापस से एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता, रूल याद रखना, जो चले गए वो वापस नहीं आया करते, सिर्फ उनका रिविजन हो सकता है। अब गेटिंग इट और नॉट? ओके सर, तो आइए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेक्शन 139 डील करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्रीली रिटर्न भरना है तो भर सकते हैं, मैंडेटरीली किन किन को भरना है? पहला, एवरी कंपनी और फर्म, इन्हें रिटर्न सबमिट करना है, कंपनी और फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस, इनकम हो या लॉस हो रिटर्न भरना ही भरना है इन लोगों ने, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी वाइंड अप में रहे तो भी रिटर्न भरना है। सर कंपनी फॉरेन कंपनी है, भरना है। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई लेकिन साल भर कोई वर्क ही नहीं किया, देर इज नो इनकम, रिटर्न भरना है क्या? हाँ, इफ देर इज अ कंपनी रिटर्न सबमिट करना है, आपने एक्टिविटी की नहीं की, उस एक्टिविटी से प्रॉफिट आया लॉस आया, रिटर्न सबमिट करना है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अदर पर्सन, हर व्यक्ति को कंपनी और फर्म छोड़ करके, इफ ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1038 एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सर मुझे बताइए, मुझे रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा क्या इन दिस सिचुएशन? लेट्स से मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है 3 लाख, डिडक्शन 1.5 लाख, टोटल इनकम 1.5 लाख, टेल मी क्या मुझे रिटर्न सबमिट करना है, हाँ या ना? यस और नो? यस, यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। टोटल इनकम की बात नहीं चल रही, टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए देखा जाता है, रिटर्न भरने के लिए यू नीड टू सी ग्रॉस टोटल इनकम। वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, इफ ग्रॉस टोटल इनकम प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1038 एक्सीड BEL, what is BEL? Basic Exemption Limit. तो अगर 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम गई, you need to file return of income. Third, every person who is being ROR and individual and HUF. Wait, 2 सेकंड के लिए याद दिलाता हूँ, वैसे भी only individual and HUF could be ROR or RNOR. Otherwise, every other person can either be resident or non-resident. ROR अगर है और दो चीज आउट ऑफ इंडिया है, पहला असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। सर इसका क्या मतलब था? सर ये ऐड किया गया था कुछ सालों पहले बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद, कुछ लोग जो योगा करते हैं वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे ब्लैक मनी भारत में ला क्यों? अब कैसे पता चले ब्लैक मनी इंडिया के बाहर कहां कहां पड़ा है? तो उन्होंने सबसे पहले तो एक प्रोविजन निकाला और बोला लोग खुद होके पहले डिक्लेयर करें, अगर किसी के पास असेट है आउटसाइड इंडिया वो रिटर्न भरेगा, चाहे उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो या ना हो। लेट्स गिव एन एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है, लेट्स से एक्स के डैड, एक्स इंडिया में रहता था, एक्स के डैड अमेरिका में रहते थे, उन्होंने अपना एक घर वहां बना लिया, ठीक है, डैड गुजर गए, एक्स को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आ गई, एक्स यहां पे टायर पंचर सुधारता है, इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है। अब मुझे बताओ वेदर ही नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, यस और नो? यस, आपकी इनकम उससे ऊपर गई या नहीं, पर आपका असेट आउटसाइड इंडिया है तो काम खत्म, आपको रिटर्न भरना है। पॉइंट वन, ये पता करने के लिए कि लोगों की कितनी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। दूसरा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट्स मतलब क्या, स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज,
ये भी कुछ आपने फॉरेन कंपनी का होल्ड करके रखा होगा, यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. नेक्स्ट, और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया. सर व्हाट डू यू मीन बाय साइनिंग अथॉरिटी? सीधे शब्दों में बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट रिक्वायर साइनिंग अथॉरिटी. स्विस बैंक में कई लोगों के पैसे पड़े हुए थे, ये पता करने के लिए कि कितनों के पैसे कहां कहां पड़े हुए हैं. साइनिंग अथॉरिटी अगर आपकी बाहर है, आपको रिटर्न सबमिट करना है. इंडिया में आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो या ना हो. दूसरी चीज, एलएलपी में मैं पार्टनर हूं फॉरेन की. कई लोग फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट्स करके रख चुके हैं. देर वॉज अ रूमर अमिताभ बच्चन इज इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द कंपनी ऑफ बिटकॉइन. फॉरेन एलएलपी में आप पार्टनर हो, वेदर यू हैव साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, यस यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. तो सर किस किस को रिटर्न भरना है, जल्दी बोलो. पहला, कंपनी फर्म, प्रॉफिट हो लॉस हो, एक्टिविटी शुरू, कंपनी है मतलब रिटर्न भरना है, लिक्विडेशन में ही क्यों ना हो. दूसरा, एवरी पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड आरओआर, हु इज इंडिविजुअल और एचएफ हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया. तो सर मेरे साथ चार्ट भी बनाए, आ जाओ रजिस्टर के अंदर. सेक्शन 139. सर वो, हाँ मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर ऐसा भी कुछ है क्या कि जिसका टीडीएस कटा है उसने भी रिटर्न फाइल करना चाहिए? टेक्निकली मान लो अगर वो टैक्स के लिए लायबल नहीं और टीडीएस कटा है तो वो रिफंड लेने के लिए जानबूझ के रिटर्न फाइल करता है, पर मैंडेटरी नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड. रिटर्न दो तरीके से हो सकते हैं, पहला वॉलेंट्री और दूसरा मैंडेटरी. ठीक है, मैंडेटरी किस किस को करना है? कंपनी और फर्म. व्हेनेवर आई से फर्म, वेदर इट इंक्लूड्स एलएलपी, यस. दूसरा, एवरी पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1038 एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. तीसरा, आरओआर who has two things out of India, बोलो बेटा, assets और signing authority outside India, voluntarily कब करते हैं मैं आपको बताता हूं. यह आपने ऑफिस में किया है सर, जब भी किसी व्यक्ति को लोन लेना होता है, लोन लेने जाएगा, कोई भी लोन लेने जाता है. अब मान लो जब आदमी पहली बार लोन लेने के लिए जाता है, राइट, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, राइट, नया नया इंजीनियर बना, पैकेज आ गया इसको 50,000 रुपए पर मंथ का. ये गया बोला कि भाई मेरे को होंडा सिटी खरीदनी है. ठीक है, जैसी होंडा सिटी खरीदने के लिए पहुंचा, लोन की बात आई. लोन देने के टाइम पे उन्होंने बोला, लाइए सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालिए. उसकी पेइंग कैपेसिटी है इन फ्यूचर, पेइंग कैपेसिटी है इन फ्यूचर, पर आज उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? जीरो. तो वहां पे बोलते सर हम आपको लोन नहीं दे सकते, जाके पहले आपके 3 साल के आईटीआर लेके आओ. याद है आपने ऑफिस में ये काम किया है? ऑफिस में यही तो काम करते थे, अचानक उस पर्सन का बैलेंस शीट बना डालते थे. कुछ याद आ रहा क्या? अचानक उस पर्सन की बैलेंस शीट बनती थी, अचानक उसके रिटर्न सबमिट होते थे, और इसमें दो रिटर्न सबमिट होते थे, याद होगा तो, एक प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का. और वहां जाकर के यू नो कार शोरूम वालों को बताया जाता था, इस साल का रिटर्न तो अब आएगा ना, तो पिछले 2 साल का रिटर्न हम भर चुके हैं, देख लो. तो वॉलेंट्री कब भरा जाता है? एट एनी टाइम. बट इसका सही रीजन क्या है? व्हेन अ पर्सन रिक्वायर अ लोन, जब उसका कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जब उसका लोन अप्रूव करवाना है, तब वो वॉलेंट्रीली रिटर्न भरता. लोन अप्रूव, ये एक पहला रीजन हो गया. दूसरा, टीडीएस रिफंड. आ गया सर आपका पॉइंट? टीडीएस रिफंड, मान लो उसको टैक्स आता ही नहीं है, लेकिन उसका टीडीएस तो कट गया, उसके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स के अंदर ही आ रहा है, लेकिन टीडीएस कट गया सामने वाले ने. टीडीएस रिफंड लेने के लिए वो कई बार मैंडेट वॉलेंट्रीली रिटर्न भरता है. यस, कई बार अपना क्रेडिट हिस्ट्री बड़ा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आदमी को 2 साल बाद घर लेना है, पहले से ही फिक्स है, तो वो अभी से अपनी इनकम रेज करना शुरू कर देता है, याद होगा तो, जानबूझ के रेज किया जाता है ताकि उतना लोन के लिए एलिजिबिलिटी निकले. करे हैं ये काम ऑफिस में, जानबूझ के एलिजिबिलिटी रेज करवाते उसकी,
वॉलेंटरी रिटर्न रहता, मैंडेटरी नहीं। और रेस करवाते हैं मतलब उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जानबूझ के लेके चल जाते हैं, इनकम हो या ना हो। तो ये उस कुछ के कुछ रीजंस है कि भैया कब वॉलेंटरीली आप कर सकते हो। इसके अलावा कई रीजंस भी है, बस मेरे मन को भाया इसलिए भी रिटर्न भरना है। एक प्रेस्टीज मार, सब दोस्त भर रहे रिटर्न तो आई शुड ऑल्सो फाइल। डन सर? ओके सर। सर रिटर्न कब भरा जाता है? ध्यान से सुनिए, रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। Within the time limit allowed under section 139(1), yani due date of filing the return of income kaha likha beta 139(1). Aa jao dusre section pe chalte. Acha, it is filed in the prescribed form. Main janmujh ke yahan pe prescribed likha raha hu, aapko ITR nahi likha raha hu, kyunki inka jab mood aata hai, jab bhi kuch to bhi naya form leke aa jate hai ye log. Kabhi ITR 1 layenge, kabhi isko sahaj banayenge, kabhi isko sugam banayenge, inka jab mood aa jata hai. To apan ne apne hisab se sirf exam mein bhi prescribed form hi likh dene ka. They will never ask you ki ITR batao, ITR 1 kahe ke liye, 2 kahe ke liye, 3 kahe ke liye, 4 kahe ke liye. They will never ask. Law mein bhi itna hi padh likha hai, in the prescribed form. Bas dimag mein aapke fit rakhna, there are 7 ITRs aur uske sath ek panchali. Acknowledgement Roman 5, panchali. Getting it or not? Okay. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, व्हाट आर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये वो सेक्शन है जो याद रखना पड़ेगा, जब जब बोलू ड्यू डेट अंडर 139(1), ड्यू डेट अंडर 139(1), ड्यू डेट अंडर 139(1), 50 बार ये ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट अंडर 139(1), ये पॉइंट याद रखना ही रखना है। सर डिपेंड करता है असेसी कौन है, अगर असेसी कंपनी है या अदर्स है, ठीक है, कंपनी है तो दो बातें होंगी, लायबल टू ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, लायबल टू ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट तो 30th November ऑफ द असेसमेंट ईयर। अदर कंपनी इफ दे आर नॉट लायबल, दिस इज एज पर सेक्शन 92(e), अदर कंपनी 30th September ऑफ असेसमेंट ईयर। क्या तुम्हें याद है? अदर्स के लिए डिपेंड करता है इफ दे आर लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन, बोलो मालिक, 44(ab), कब तक देगा? 30th September ऑफ असेसमेंट ईयर, अदरवाइज 31st July ऑफ असेसमेंट ईयर, 31st July ऑफ असेसमेंट ईयर। सडन कंपनी
लाइबल होगी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए, याद होगा तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब भी होता है एंड इफ इट इज कवर्ड अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग लाइबिलिटी अंडर एज पर सेक्शन 92E, जब ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर आएगा तब देखेंगे। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के रिपोर्ट के लिए लाइबल होगा 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अदरवाइज इन अदर केस 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अदर केस में इफ दे आर लाइबल टू टैक्स ऑडिट 30 सितंबर, नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट 31 जुलाई। यस और नो? ओके सर, आइए सर नोट्स भी देखिएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे आपको ऑलमोस्ट पेज नंबर 3.3 पे दिखेगा एक चीज, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इफ कंपनी लायबल टू टीपी रिपोर्ट 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, अदर कंपनी 30 सितंबर। इफ दे आर लायबल टू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर, ये वो डेट है जो याद रखनी थी इसलिए हाईलाइट पे लाया। जनरली ये तीन नीचे वाले जो बेस है ये डेट याद रखना, ऊपर बहुत कम होता है। इफ दे आर नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्लियर है? ओके सर, एक और बात, वेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इफ डिपार्टमेंट इज क्लोज, असेसी कैन फाइल द रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे। ही कैन फाइल द रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे इन विच डिपार्टमेंट इज ओपन। हालांकि अब आप इसका बहाना नहीं दे सकते, डिपार्टमेंट क्लोज था, हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, बट ये एक सर्कुलर था जो बहुत पहले लाके रखा है कि अगर किसी दिन रिटर्न भरना था और डिपार्टमेंट क्लोज था तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप रिटर्न भर सकते हैं और उसके लिए कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगा जाएगा। ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फाइल किया जाए। गेटिंग इट और नॉट? ओके चलिए, ये पार्ट और ये पार्ट थोड़ी देर बात करेंगे पर ये सब एक साथ आएगा। अभी सिर्फ आपने ड्यू डेट समझ ली सर, आइए अब चलते हैं इनके ऊपर। आइए स्पेसिफाइड असेसीज के लिए देखते हैं। कंपनी और फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंपनी और फर्म हर बार इनको रिटर्न भरना ही भरना है। सर इंपॉर्टेंट 139(4)A इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट इनको रिटर्न कब भरना है? इनके रिटर्न का भी बहुत सिंपल रूल है, स्टॉप एक मिनट के लिए याद करके देखो। सर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, कुछ याद है? चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट गेट द एग्जम्पशन अंडर 11। नाउ द रूल इज वेरी सिंपल, इफ बिफोर टेकिंग एग्जम्पशन अंडर 11 और 12 इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बिफोर टेकिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इनको अपना रिटर्न भरना है। इन शॉर्ट चैरिटेबल और रिलीजियस फर्स्ट मस्ट फाइल द रिटर्न इफ इनकम बिफोर एग्जम्पशन अंडर 11 एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हां जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर में ये वर्ड हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, विच इन अदर वर्ड मींस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्लियर है? तो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट को भी रिटर्न भरना है? जी हाँ, कब? जब इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 139(4)B नॉट सो इंपॉर्टेंट बट सुन लो, पॉलिटिकल पार्टी। सर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 13A, अंडर सेक्शन 13A। अगर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 13A एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दे नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। वेरी सिंपल प्लेन लैंग्वेज, यानी क्या, इन सीधे शब्दों में बोल सकता हूं, एनी अदर पर्सन इफ इनकम बिफोर एग्जम्पशन और डिडक्शन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सीधे शब्द, सो ही मस्ट फाइल द रिटर्न इफ GTI बिफोर एग्जम्पशन अंडर 13A एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 149(4)C जरा ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन विद गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, न्यूज एजेंसी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ICAI, खादी ग्राम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऐसे फंड जो 1023(c) के अंदर लिखे हैं, एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन होली एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट,
Trade union, body or authority. Notified infrastructure debt, mutual fund, securitizational trust या venture capital company. इन सबको return भरना है. If before giving exemption under section 10, income exceed basic exemption limit. सर इसमें से अगर सच में कुछ पूछा जा सकता है ना, तो वो या तो ये है, बस अभी तक के. ये सच में पूछा जाता है. ये बाकी सब सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता. हाँ पर ये पूछा जाता है. 139(4)D, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 139(4)D, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इनकम ऑफ लॉस और एनी अदर थिंग, दे विल फाइल द रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम. यानी इनको मैंडेटरीली रिटर्न भरना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम. यानी कैन आई से मैंडेटरी रिटर्न्स में, ये जो मैंडेटरी रिटर्न्स है इसके अंदर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं. ये देखो मैंडेटरी रिटर्न्स जो है इसके अंदर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं. आप बाजू भी लिख सकते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड. यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकी इनकम कुछ भी हो इन्हें रिटर्न सबमिट करना ही करना है. यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनको अपने रिटर्न भरना ही भरना है. जनरली इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस अंडर एनी अदर प्रोविजन, और कोई व्यक्ति है जो कहीं और स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं है, तो उन्होंने एक जनरल क्लॉज इंक्लूड किया है, वो भी अपना रिटर्न भर देगा अगर हम कहीं भूल गए होंगे किसी को स्पेसिफाई करना. तो गेटिंग इट और नॉट सर, अब तक के क्या क्या देखा सर? देखो चैप्टर शुरू किया और सिर्फ दो सब सेक्शन पढ़े, टेक्निकली बहुत सारे पढ़े हैं. सेक्शन 139 वॉलेंट्री एंड मैंडेटरी रिटर्न पड़ा, 139(1) ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम पड़ा, और इसी के साथ साथ 139(4) के क्लॉजेस पड़े. 4 में पूछा था, याद करो 139(4) के अलग अलग सब सीरीज है जिसमें पूछा था ए बी सी डी, चैरिटेबल पॉलिटिकल पार्टी और अदर एसोसिएशन को कब करना है, इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, बाकी हर पर्सन की इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे है. सिर्फ तीन लोग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, इनको रिटर्न भरना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम. गेटिंग इट और नॉट सर? डन सर. विल हैव अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग क्या करते हैं सर? कंसिडर करते हैं. विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. डू यू नीड अ ब्रेक? है ना, आ जाए, ले लो ले. कुछ लोगों को आदत रहती है, मैं मेरे तरफ से दोनों दे रहा हूँ.
किसका? हाँ ओ जिनी, पता नहीं मेरे को तो स्पेल ही करते नहीं। उसने आके मेरे से बात करी, बोला भाई मेरे सर आई हैव मे 19 तो मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला मे 19 है तो नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो, इससे बेटर है कि तुम पहले कॉस्टिंग वॉस्टिंग अदर चीज़ें निपटा दो। इनकम के लिए गलत एडवाइस थोड़ी नहीं दे सकते यार। चलो जी, हाँ जी, चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ सब लोग। रिविजन 139, चलो जल्दी बोलो। बोलने के लिए तीन, लेकिन टेक्निकली चार लोगों को रिटर्न भरना है। बोलो कौन कौन सा। पहला कंपनी फर्म, दूसरा एवरी पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1038 एक्सीड बेसिक एक्सम्पशन लिमिट, तीसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आरओआर हैविंग असेट्स और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड वॉलंटरी, जब चाहे तब भर दो। सर कब तक रिटर्न भरना है, याद करो कब तक रिटर्न भरना है, बहुत सिंपल पॉइंट था बॉस, कब तक रिटर्न भरना है डिपेंड करता है असेसी कौन है और उसके तहत या तो सितंबर या तो जुलाई हमें रिटर्न भरना है। गेटिंग इट और नॉट? ओके, अब आगे, यानी हमने अब तक 139, 139(1) and 139(4) देखा है। आइए अब हम बात करते हैं लॉस रिटर्न की। लॉस रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 लॉस रिटर्न। ओके, अब लॉस रिटर्न मतलब क्या होता है? देखो लॉस रिटर्न कोई रिटर्न नहीं है, टेक्निकली एक रिटर्न है जिसमें लॉस शो किया गया है, वही ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है। लॉस रिटर्न वी ऑल नो, लॉस रिटर्न मींस अ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न इन विच वी डिक्लेयर अ लॉस, इन विच वी डिक्लेयर अ लॉस। सो लॉस रिटर्न क्यों भरना है? इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। याद आ रहा हो तो सेक्शन 70 से लेके 80 तक के जहां कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन हमने पढ़ी है, अ लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड अनलेस एंड अंटिल अ लॉस रिटर्न इज फाइल्ड। सो इफ असेसी विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, ही शैल फाइल लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) अंडर सेक्शन 139(1) मतलब क्या? उसे उसी टाइम लिमिट के अंदर में रिटर्न भरना है मालिक। अरे एवरीबॉडी, इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, लॉस कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, लॉस कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अगर लॉस रिटर्न आपने टाइम पे नहीं भरा, लॉस रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। हाउएवर टू लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ लॉस रिटर्न is not filed on time. So देखिए मेरा पढ़ाने का पैटर्न बहुत सिंपल है, जहां पे मैंने आपको बेस्ट कलर नोट्स भी दे दी जिसके अंदर में बेस्ट कंपाइलेशन है पूरा का पूरा, और साथ साथ में मैं क्लास में फ्लो चार्ट भी होता। कुछ लोगों को फ्लो चार्ट की आदत होती है, जैसे जो बच्चा मेरे से पहले आईपीसीसी पढ़ा हुआ है उसको हमेशा मेरे से फ्लो चार्ट की आदत होगी, वो बोलता बुक से कभी भी बेटर है फ्लो चार्ट, और कुछ बच्चों को बुक्स की आदत होती है। तो मैंने दोनों दे दिया है और दोनों बेस्ट कंपाइल करके दे रहा हूं, पर मैं खुद हमेशा बिलीव करता हूं जो आपके हाथ से लिखा है ये शॉर्ट भी है और आपको याद भी रहेगा, तो फ्लो चार्ट इज ऑलवेज बेटर, मैं रिकमेंड करता हूं। बट नोट्स में भी मैंने इक्विवेलेंटली उतनी ही चीजें हाईलाइट करके दी है जितनी काम की है। सो इफ असेसी विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, ही शैल फाइल अ लॉस रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 139(1), यानी कहना है इसे लॉस रिटर्न भी उसे या तो जुलाई या तो सितंबर के अंदर तक ही भरना है। यस ओके, इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड लॉस कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, लॉस रिटर्न जब तक फाइल नहीं किया जाता लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हालांकि दो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। अब आप ये पूछेंगे ये दो लॉस कौन से, मैं इधर लिख रहा हूं, पहला एचपी लॉस और दूसरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। दो लॉस आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अलग पेन से लिखना नहीं तो हाईलाइट कर लेना, दो लॉस आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो
even if return is not filed on time. Point to be noted, ऐसा interpretation मत ले लेना कि HP का loss carry forward हो सकता है return नहीं file किए तो, गलत interpretation नहीं है. Interpretation is return time पे नहीं भरे तो भी carry forward हो सकता है, loss आया है तो return तो भरना ही पड़ेगा. In short, HP का अगर loss है, return ही नहीं भरा, loss carry forward हो ही नहीं सकता. Return भरा, time पे नहीं भरा, loss carry forward हो सकता है. In short, return तो भरना है, time पे नहीं भरा तो भी चलेगा. समझ में आ रही है बात? इसका interpretation ऐसा मत ले लेना कि loss return भरना ही नहीं है इन दो cases में. Return भरना है, time पे नहीं भरा तो भी चलेगा. My note लिखो, याद होगा तो my note हम exam में नहीं लिखते, understanding के लिए. My note. In case of HP and unabsorbed depreciation, loss return is required. But even if it is not filed on time, loss can be carried forward. और ऐसा बेटा एक केस के कारण होता है, गोविंद नागर शुगर मिल्स का केस, जो मैंने पेज नंबर 3.6 पे दिया हुआ है. 3.6 पे आइए, नोट्स भी देख लेते हैं. और रिटर्न विच हैज अ लॉस अंडर एनी हेड, द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड फॉरवर्ड. द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस शेल बी रिक्वायर्ड टू बी कैरिड फॉरवर्ड. टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 139(1). अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. जरा इसका मीनिंग समझते हैं, आओ सर समझिएगा. लेट्स अंडरस्टैंड, प्रीवियस ईयर 1516, ठीक है, लॉस अराइज हुआ. लेट्स से पीजीबीपी हेड में लॉस आया 5 लाख रुपए का. इस साल हमने रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज लॉस रिटर्न सबमिट किया, ठीक है, लॉस रिटर्न सबमिट किया, और ये सबमिट किया विद इन सेक्शन 139(1). इट वॉज परफेक्टली वैलिड, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. प्रीवियस ईयर 16-17, दैट मीन असेसमेंट ईयर 17-18, हमने रिटर्न ऑफ इनकम में सबमिट नहीं किया और ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया. लॉस कुड नॉट बी सेट ऑफ. अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज, क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ या ना, टू द प्रीवियस ईयर 17-18? सोच के बताइएगा. 15-16 में लॉस आया था पीजीबीपी का 5 लाख रुपए, उस साल हमने प्रॉपर रिटर्न भरा और 139(1) में भर दिया. उसके आगे के साल में लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, लेकिन हमने रिटर्न ही नहीं भरा और लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो पाया. यानी ये लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. याद करो, पीजीबीपी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पर लॉस रिटर्न भरना जरूरी है ऊपर की प्रोविजंस के हिसाब से. अब सवाल उठता है, मेरा लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ पर मैंने रिटर्न भी नहीं भरा इस साल, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ या हाँ? हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ, बिल्कुल हो सकता है. लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, यस. प्रोविजन पढ़ो क्या लिखा है वापस से, एनी रिटर्न विच हैज अ लॉस अंडर एनी हेड, द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इज, जिस साल लॉस आया उस साल रिटर्न भरना जरूरी है. आगे के साल में लॉस अगर नहीं आता है और रिटर्न नहीं भी भरते तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. गेटिंग इट और नॉट? इंटरप्रिटेशन समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना. आया? ऐसे कैसे आया? बोलो नहीं आया, मैं वापस बोलना चाहता हूं. नहीं आया, गुड.
15-16 में लॉस आया तो 15-16 का रिटर्न भरना जरूरी है। 16-17 में लॉस आया है क्या? नहीं। 16-17 में रिटर्न नहीं भी भरे तो भी चलेगा, 15-16 का रिटर्न टाइम पे जाना चाहिए था। 15-16 का रिटर्न अगर आप लोगों ने दिया है, काम खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 16-17 में रिटर्न नहीं भी भरा तो भी चलेगा। जिस ईयर का लॉस है उस ईयर में रिटर्न भरना जरूरी है, आगे नहीं भरा तो भी चलेगा। माइनोट लिखो, माइनोट टू एग्जाम्पल भी लिखना। माइनोट टू, रिटर्न ऑफ लॉस इज मैंडेटरी, रिटर्न ऑफ लॉस इज मैंडेटरी इन द ईयर, इन द ईयर इन विच लॉस एक्चुअली अराइज, इन द ईयर इन विच लॉस एक्चुअली अराइज। Further, even if in the next year return is not filed on time, even if in the next year return is not filed on time, loss can be carried forward. डन सर, ओके मालिक। एग्जाम्पल साथ साथ में लिखो और आज ही अपने दोस्त से जरूर पूछना, बोलना बता ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते क्या? अगर उसने बता दिया इसका मतलब वो भी अच्छे से पढ़ रहा है, और नहीं बताया तो तुम जबरदस्त पढ़ रहे हो। मालिक डन, डन सर, ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो अ रिटर्न विच हैज अ लॉस अंडर एनी हेड, अंडर एनी हेड द रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस इज रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, यू शुड फाइल द रिटर्न अंडर 139(1). सिंपली वी नो द टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न, ओके। हाउएवर द लॉस फ्रॉम एचपी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। यहां नॉट फाइल्ड का इंटरप्रिटेशन है नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, यहां लिखो नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। रिटर्न तो भरना ही है। अच्छा, कुछ याद आ रहा हो तो कुछ लोगों को कंपलसरी रिटर्न भरना है इवन इफ देयर इज अ लॉस। आपको नहीं लगता हम ये पढ़ के आए हैं? कंपनी प्रॉफिट हो या लॉस, फर्म प्रॉफिट हो या लॉस, यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशन, याद आ रहा है क्या? अदर एसएससी अबव रूल इज एप्लीकेबल। तो ऊपर के दिए हुए तीन लोगों को तो कंपलसरी लॉस के रिटर्न भरना है, इररिस्पेक्टिव इनकम हो या लॉस हो। अच्छा सर, लॉस रिटर्न
क्या सीबीडीटी को पास पावर है? मान लीजिए मेरा लॉस हो गया, मैं रिटर्न टाइम पे नहीं भर पाया, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, क्या किसी को रिक्वेस्ट करके मैं लॉस रिटर्न भरवा सकता हूं? हाँ, सीबीडीटी के पास एक पावर है बेटा, पावर है टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। यस, हाईलाइट कीजिएगा, सीबीडीटी हैज पावर टू डिले इन कंडोन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ लॉस। यानी अगर एक एप्लीकेशन की जाए सीबीडीटी को तो वो आपका लॉस अलाउ कर सकते हैं इवन इफ यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। और ये पावर सेक्शन 119 के अंदर में कवर होता है। सेक्शन 119 कहता है सीबीडीटी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, डिले एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने तीन लिमिट्स भी दी हुई है, ये लिमिट्स बिल्कुल याद मत रखना, याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर 10 लाख तक का लॉस होगा तो किसका अप्रूवल चाहिए, 50 लाख तक का होगा तो किसका अप्रूवल चाहिए। बस आपके पास इतना ही क्वेश्चन है कि क्या कंडोन किया जा सकता है, बिल्कुल, आंसर इज यस, गेटिंग इट और नॉट, कंडोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मालिक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, गेटिंग नॉट गेटिंग। चलो एक बार सेक्शन लिस्ट बोल के बताओ फटाफट। सेक्शन 139, बोलो 139, रिटर्न ऑफ इनकम, 139(1) ड्यू डेट, 139(4) रिटर्न्स फॉर वेरियस असेसी, रिटर्न्स फॉर वेरियस असेसी, 139(3) लॉस रिटर्न, गेटिंग इट और नॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे, कंफर्टेबल, बड़े आगे, 139 सबसेक्शन 4, मैं क्यों याद दिलाता हूं, आप याद दिलाओ, बिलेटेड रिटर्न, याद है जब आदमी क्या हो गया लेट, वो कितने कंधों पे जाएगा, चार कंधों पे, बिलेटेड रिटर्न। जैसा बेटा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसा बिलेटेड रिटर्न भी होता है, सिर्फ आपको करना क्या होता है, रिटर्न वही रहते हैं आईटीआर, वहां पे एक ऑप्शन होता है, चेक करो, याद करो आर्टिकल शिप में आपने किया है, ओरिजिनल रिटर्न ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, रिवाइज रिटर्न ड्रॉप डाउन लिस्ट, बिलेटेड रिटर्न, सिर्फ बिलेटेड का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, वही रिटर्न बिलेटेड बन जाता है, बस उसके टाइम लिमिट्स कुछ चेंज होते हैं, बिलेटेड रिटर्न, जैसा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वैसा बिलेटेड रिटर्न भी होता है। ओके सर, इफ असेसी, कुछ याद हो तो असेसी वर्ड यूज हो रहा है हर जगह पे, इफ असेसी फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और 142(1, हाईला 142(1) याद करो, रिटर्न फाइलिंग करने के चार मोड थे, तुमको दो कंपल्सरीली याद रखने हैं, कौन से थे वो, वॉलेंट्री रिटर्न या रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, याद नहीं आए तो यहां पे लिख के रखो, एक दो बार में याद आ जाएगा, रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, एक दो बार लिखने रहोगे ना तो फिर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, मैंडेटरी रिटर्न लिख रहा हूं यहां पे, इसको वॉलेंट्री रिटर्न भी कह सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिटर्न ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न by the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier by the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। आइए और तोड़ते हैं, बी लेटेड रिटर्न, इफ असेसी, यानी पर्सन का बात तो सवाल ही खत्म हो गया, इफ असेसी फेल्स टू फाइल द रिटर्न 139(1) मतलब नॉर्मल टाइम लिमिट के अंदर ये रिटर्न अगर नहीं भर पाया, नॉर्मल टाइम लिमिट के अंदर अगर ये रिटर्न नहीं भर पाया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी थी उस टाइम लिमिट के अंदर ये नहीं भर पाया, इनकम टैक्स ने बोला था 15 दिन में भर, इसके घर पे इमरजेंसी आ गई, 15 दिन में नहीं भर पाया, तो क्या ये बिलेटेड रिटर्न भी कर सकता है? जी हां, कब तक, बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, पहले ये वर्ड हुआ करता था वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर,
पिछले एक्ट पिछले फाइनेंस पिछले बजट से इसको बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर कर दिया गया है, बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आप पूछेंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मतलब कौन सा असेसमेंट? सुनो, मान लो 139(1) के तहत आपको रिटर्न भरना था जुलाई में, आपने जुलाई में रिटर्न नहीं भरा, एओ आपको 2-3 साल से आपको ट्रैक ही कर रहा है। सवाल, एओ आप पे एक असेसमेंट ओपन कर देता है 144, उसने आपको नोटिस भेज के भी ट्राई किया, आपने रिटर्न नहीं भरा और अब असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ओपन कर देता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब क्या? वो पहले आपको बोलता है बेटा मैं तेरे को नोटिस दे रहा हूं, नोटिस के तहत तू रिटर्न भर, आपने नोटिस के तहत भी रिटर्न नहीं भरा और वॉलंटरीली रिटर्न भी नहीं भरा, तो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे ट्राई कर लेता है ये सोच करके कि आप रिटर्न नहीं भरने वाले, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। उस चक्कर में वो एक असेसमेंट ओपन कर देता है, असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, इसके बाद के बाद वाले टॉपिक में आएगा ही आएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये जो असेसमेंट है ये है असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, लिख के रखो, इसका मीनिंग और क्लैरिफाइड होगा असेसमेंट टॉपिक में। ये असेसमेंट 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला असेसमेंट है। सो If assessee fails to file the return under 139(1) or 142(1) return in response to notice, प्यार से बोला था बेटा return भर दे, नहीं भरा, तो अब assessing officer क्या कर देता है 144 के तहत best judgment assessment open कर देता है और खुद आपकी income compute कर लेता है। तो कब तक आप file कर सकते हैं? By the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier। आइए example देखते हैं। Sir, example my note में लिखते रहेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 1, माई नोट लिखते रहे, बताइए प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए नॉर्मल रिटर्न कब तक भरना है, अज्यूमिंग देर इज नो टैक्स ऑडिट, नॉर्मल रिटर्न कब तक भरना है, डेट बताओ। कैन आई से 31st July 2018, ये नॉर्मल रिटर्न भरने का टाइम लिमिट आ गया, क्लियर है? बताइए अगर कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, तो बी लेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? वर्ड लिखा था बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट मींस असेसमेंट ईयर का एंड। अगर प्रीवियस ईयर 17-18 है तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ बेटा 18-19, बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब डेट क्या हुई बेटा 31st March 2019। तो अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो आपको 31st मार्च 2019 तक का टाइम लिमिट दिया है, असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले तक का आप रिटर्न भर सकते हो। कैन आई से टेक्निकली 9 महीने या 6 महीने का टाइम है, जुलाई रहा तो 9 महीने का टाइम बचता है, सितंबर रहा तो 6 महीने का टाइम बचता है बी रिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, क्लियर है? मान लो इसी केस में लेट से एग्जाम्पल नंबर 2, इन अबाव केस लेट से असेसमेंट जो हुआ ये कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2018 को। अब बताओ बी लेटेड रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, कब तक फाइल करना है? कैन आई से इस केस में 31st दिसंबर 2018 विल बी द लास्ट डेट, By the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. Sir, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है सर, बहुत जोर से आया है सर। मैंने बोला बोल भाई आगे बोल। उसने बोला सर देखो, एक आम इंसान को आप कहते हो कि तू बेटा जुलाई तक रिटर्न भर और उसको ऑप्शन भी देते हो तू मार्च तक रिटर्न भर। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताना सर, पर्सनल एक्सपीरियंस। क्लाइंट को बोला जुलाई तक के डेटा लाके दे रिटर्न सबमिट करना है, क्लाइंट को बोला कोई बात नहीं जुलाई में नहीं लाया तो, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं सोना, तू मार्च में लाके दे, कोई तकलीफ नहीं है। तुमको लगता है कोई भी एंगल में क्लाइंट मार्च में लाके दे देगा, जुलाई में लाके देगा और सीधा मार्च 31 को ही लाएगा, तुम्हारी जान खाएगा, यू नो तुम्हारा गला दबाएगा 31 मार्च आता भर?
अब तुम बताओ कौन बेवकूफ है जो जुलाई में भरेगा? तुमको बोला कि भैया क्लास के पहले फीस भरो और क्लास के बाद फीस भरना पूरा खत्म होने के बाद, तुम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहोगे? कॉमन सेंस है वो। ये तुमको बोला बेटा जुलाई में रिटर्न भर और मार्च 2019 में रिटर्न भर, कौन सा वो सिलेक्ट करना चाहेगा? कोई भी अंधा भी बोलेगा कि भैया वो मार्च में भरूंगा। तो फिर क्यों लोग जुलाई में रिटर्न भरते, मार्च में भरना चाहिए। सर नहीं, ये रीजन नहीं है। हाँ अब सही पकड़े हैं। देर आर सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑन टाइम। जिसमें से सबसे पहला ही है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। तो 234A का इंटरेस्ट लग जाता है, लिखना मत कुछ भी, सिर्फ सुनो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये हम लिखेंगे। दूसरी बात, दूसरी चीज, लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना था तो 139(3) कहता था रिटर्न मस्ट बी फाइल बाय द टाइम लिमिट अंडर 139(1). अब 139(1) के टाइम लिमिट तक के तो आपने किया ही नहीं, लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ये है दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज, आपको पेनल्टी ऑब्लिक फीस लग जाती है। पेनल्टी ऑब्लिक फीस लग जाती है। ये फीस वर्ड ना बेटा इनकम टैक्स में नया नया आया है। होता क्या था कि अब तक असेसी के ऊपर जब पेनल्टी लगाते थे तो वो हायर अथॉरिटी के पास जाता था और पेनल्टी का कंडोनेशन मांग लेता था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला अच्छा मतलब पहले तो तेरी गलती ढूंढे हम, हाँ उसके बाद में सारी चीजें करे हम, और तू बॉस के पास जाए और बॉस पे जाके हमारी शिकायत करे और बॉस तेरी पेनल्टी को क्या कर दे, वेव। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने नया वर्ड निकाला, पेनल्टी के जगह फीस, क्योंकि हर जगह पावर जो दिए थे उसमें लिखा था कंडोनेशन ऑफ पेनल्टी। फीस वर्ड कहीं है ही नहीं, लॉ फीस वर्ड कहीं है ही नहीं, अब कैसे कंडोनेशन होगा? तो एक पेनल्टी और फीस भी लगती है। क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी और फीस रिटर्न टाइम पे न भरने के लिए, रिटर्न टाइम पे न भरने के लिए। सर कितना लगता है? 5,000 रुपए। कितना लगता है सर? 5,000 रुपए। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा पेनल्टी का किसी के ऊपर ऑर्डर आया है, ऑप्शनल है उनका। उतना देखो डिपार्टमेंट को भी समझता है कि हर एक को पेनल्टी लगाने बैठे तो आधा हिंदुस्तान पेनल्टी पेनल्टी पे ही आ जाएगा, आधा हिंदुस्तान पेनल्टी पेनल्टी पे आ जाएगा, तो हम पेनल्टी नहीं लगाते। हाँ लेकिन पेनल्टी लगती है, वो भी कब, जरा समझना। मान लो, सुनो, ये पेनल्टी क्लॉज भी कब अट्रैक्ट होता है? नॉर्मल रिटर्न 31 जुलाई को भरने थे, नहीं भरा, तुरंत 1 अगस्त को पेनल्टी लग जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब भी उसके पास टाइम है, वो बिलेटेड भर सकता है। यानी पेनल्टी क्लॉज भी अट्रैक्ट होगा तो वो कब होगा? ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। यानी अगर लगना भी है तो वो इमीडिएट आफ्टर द ड्यू डेट नहीं लगेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। क्योंकि मान लो 1 अगस्त को अगर मान लो एओ बोलता है कि मैं पेनल्टी लगाता हूं, असेसी तुरंत जाएगा, बोलेगा तेरा ऑर्डर वाहियात ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? वाहियात ऑर्डर है, क्योंकि अब तक मेरे पास बिलेटेड का टाइम लिमिट है, बिलेटेड का रिटर्न मैं भर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रिटर्न नहीं भरा, भरा, बिलेटेड भरा, और एक्ट ही मुझे कहता है करने के लिए, तो किस बात की पेनल्टी? तो ये पेनल्टी भी लगेगी, लेकिन कब? ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 139(4). बिलेटेड का टाइम खत्म होने के बाद ही आपको जो लगेगा पेनल्टी लगेगा। फर्दर अगर आपको याद होगा तो टीडीएस से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजन है। हम्म,
कंडोनेशन ऑफ डिले मार के हो सकता है, पेनल्टी लगा के नहीं, बिकॉज आधा इंडिया फिर क्या बोलेगा, ठीक है देखिए इंडिया में पैसे देने वालों की कमी नहीं है, आप समझिएगा, अगर उसका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल रहा होगा, मेरी दोस्त ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर अगर अब मुझे रिटर्न भरना है बी लेटर रिटर्न वाला, मैं पेनल्टी देने को तैयार हो तो वो रिटर्न वाले रिटर्न कर दो, करेक्ट ना सवाल, करेक्ट है। देखो बेटा कंडोनेशन ऑफ डिले मार करके अगर वो एक्सेप्ट करते होंगे तो हो सकता है, और वो भी फिजिकल फाइलिंग में होगा, ऑनलाइन तो ऑप्शन ही नहीं देता, वो भी फिजिकल देना है तो हो सकता है, ये एक पहला पार्ट। दूसरी बात, आज भी होता है लेकिन इसके लिए ऑफ द ट्रैक जाना पड़ता है, एथिक्स छोड़ने पड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। आज भी रिटर्न करते हैं 5-5, 6-6 साल के रिटर्न फाइल करते हैं, बताऊं कैसे, बोलू कैसे, टैक्स प्लानिंग समझाऊ, चाय पिलाओगे ना, अपने को रिश्वत लगती भाई, चाय लगती नहीं, कॉफी नहीं, चाय 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 पिलाओगे क्या सर। अब अगर मान लो 3 साल पहले का रिटर्न भरना है, आज तो पॉसिबल ही नहीं है वो रिटर्न भरना, पर लोग भरते हैं। याद करो मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको बताया रिटर्न भरने के कितने मोड़ थे, 1 या 2, रिटर्न भरने के कितने मोड़ थे, 2। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो कंप्यूटर सिस्टम है। अब आप जाते हो फिजिकल मोड पे, फिजिकल मोड पे जाते हो, वहां विजिट करते हो बाबू को, बाबू बाबू क्लर्क, क्लर्क के पास जाना पड़ता, क्लर्क के पास जाके मलाई मिठाई टोकन गुडलक देना पड़ता। I cannot use a proper word. मलाई मिठाई टोकन गुडलक, समझ में आ रही बात, मलाई मिठाई टोकन गुडलक दिया तो वो क्या करता, उसके पास एक स्टैंप रहता, डेट स्टैंप, वो अपने डेट चेंज करता, एक स्टैंप आपके एक्नॉलेजमेंट पे मारता, एक स्टैंप रिटर्न पे मारता, एक्नॉलेजमेंट का पेज फाड़ के आपको दे देता, ये रिटर्न उठाता और रिटर्न उठा के जो पुरानी फाइल्स है उसके अंदर दबा देता। अब हम ये एक्नॉलेजमेंट लेके एओ के पास जाते हैं, एओ बोलता पॉसिबल ही नहीं है, ये रिटर्न तो सबमिट ही नहीं हुआ, वो बोलता बगरे रिटर्न आएगा, वो बाबू ने पहले ही मलाई मिठाई टोकन गुडलक लिया हुआ है, बराबर वो रिटर्न ला करके देता, ऑफ द ट्रैक। फिर वो बोलता ये सबमिट क्यों नहीं हुए, हे लोग का ऑफिस से असे चाहत, अपडेटच करत नहीं, की दुकान में ऐसा होता है। और इसके लिए रिटर्न फाइलिंग का जो फीस है वो ट्रिपल हो जाता, कितना हो जाता बेटा, ट्रिपल, हम जो सीए फीस चार्ज करता वो सीधा ट्रिपल फीस चार्ज करता। मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें टाइम लिमिट नहीं होता क्योंकि इसमें कीमत होती है, उसका देखिए उतनी पीछे तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, 2003 का रिटर्न के तहत तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट मैं आपको एक बात एकदम फैक्ट बताऊं क्या, ऑफिस की बात यह है कि आप 1990 के भी रिटर्न सबमिट कर सकते हो, बस वो बाबू को उतनी पहुंच होनी चाहिए पुराने डॉक्यूमेंट तक जाकर के वो सबमिट कर सकता है और उस वो एक्सेप्ट कर सके हमारा ये काम, और इसी के लिए हमको साल भर जाकर के उनको अमूल वटर। डेफिनेटली मैम एओ उसको चेक डेफिनेटली करता है और एओ को भी समझ जाता है क्योंकि पेपर की क्वालिटी दिखती है, पुराने पेपर जो होते हैं वो थोड़े से येल्लोइश टाइप हो जाते हैं और ये जैसे ही उसके सामने रिटर्न आता है उसको समझ जाता है कि भैया मलाई मिठाई टोकन गुडलक हुआ है, तो वो अंदर के अंदर इंटरनल सेटिंग होती है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे अपने ऑफिस की रद्दी सेल करते वक्त सीए सब कुछ सेल करवा देता है और पुराने रिटर्न कभी नहीं फिकवाता, ये है उसका लॉजिक, क्योंकि वो यहाँ पे पड़े पड़े येल्लो करवाता ताकि वहां पे फंसे ना। तुम लोग यार मेरे से अंदर की बातें निकाल रहे हट, बट ये समझ में आया कैसे होते हैं। तो ये बेटा देखो बात है थोड़ी सी एथिक्स की, बट मैं फर्मली इनफैक्ट जो आईपीसीसी पढ़े हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बोलूंगा, पर फाइनल वाले भी समझ लो, एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स। क्या बोल रहा हूं मैं, यू कैन सी ऑन माई टी शर्ट, ये बच्चों ने गिफ्ट दिए मेरे को, एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स, सिंपली एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। मैं कभी एथिक्स को प्रीच ही नहीं करता, इनफैक्ट कभी प्रीच नहीं करता, उसका रीजन एक है, जिस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ब्राइब पे किया था मेरे को समझ में आ गया था एथिक्स नाम का कोई चीज रहता ही नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम ये काम नहीं करोगे
तो कोई और सीए बैठा है तुम्हारे ये काम करने के लिए, और सीए भी अगर नहीं करे कोई भी ये काम, तो कई टैक्स प्रैक्टिशनर बैठे हैं जो ये काम करवा के देते हैं, अपने को भी पता है। तो ये एथिक्स वेथिक्स की बातें ना बेटा इनकम टैक्स में वर्क ही नहीं करती, जहां पे यू नो इतनी चीजें देख ली है प्रैक्टिस के दौरान, तो इतनी चीजें देख ली है कि यू नो कैसे एडजस्ट किया जाता है। अब आप जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये दिस वाज वन ऑफ माय प्रैक्टिकल एग्जांपल ओनली कि कैसे रिटर्न को डाले जाते हैं। अब सर्च एंड सीजर होता है, ठीक है, सर्च एंड सीजर के केस में 7-7 साल 8-8 साल के रिटर्न मांगते हैं। 8 साल का रिटर्न असेसी आपको लगता है फाइल में संभाल के रखेगा? डेफिनेटली नॉट। अब रिटर्न निकले कहां से? तो दे करके कर करके सेट करके सब निकालना पड़ता ताकि बच जाए कुछ किसी तरीके से। उस टाइम पे पूरा सेटिंग होता है ऊपर से नीचे तक के। वी वर्क इन अ सिस्टम एंड वी हैव टू वर्क लाइक अ सिस्टम। तो उस केस में क्या होता है, आप एथिक्स की बातें ही नहीं कर सकते। मतलब आई पर्सनली, आप अगर फॉलो करते होंगे तो आप लाइफ में सबसे अच्छे इंसान है बेटा, ऐसा ही करना चाहिए, एथिक्स कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बट आई डू नॉट बिलीव इन इट एंड नेवर आई विल फॉलो इट। Why? Because it is a very good word, a very beautiful word in books, not in reality. We all know that. क्योंकि हमको भी पता है एथिक्स की बात है, टेक्निकली सीए ने तो करनी ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट जो प्रैक्टिस में उसने तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इनकम से टैक्स नहीं, टैक्स से इनकम निकालता है, तो उसने तो कभी करना ही नहीं, और आपने भी नहीं करना, क्योंकि आप भी इक्वली भागीदार हो उसमें। तुम ही थे, तुमने कभी इस पर आवाज नहीं उठाई, नहीं सर मैं नहीं करना। तुम्हारे को मालूम था बेचारा आर्टिकल शिप कंप्लीशन देगा नहीं, चुपचाप करो। तो ये एक पॉइंट है। हाँ जी सर, That will be an exception to this case. हाँ जी, हाँ जी। Is that done? आइए, तुम लोग यार कहाँ चालू करते हो, कहाँ खत्म करते हो, यही फाइनल का तकलीफ है। आईपीसी से मैं रहता तो ये टॉपिक अब तक खत्म हो गया रहता। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ही बता रहा हूँ, अपने को इतना डीप जाना पड़ता है। सर देखो, अगर भरना है तो भर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, निकाल सकता है, मैं आपको बताता हूँ कब। अगर सर्च होता है और फॉरेन में असेट मिलता है तो आप 16 साल पीछे जा सकते हो, 16 साल पीछे जा सकते हो। तो उस केस में फिर 2-3 का रिटर्न भी यू नो लग सकता है। तो ये एक पॉइंट है, हालांकि कोई निकालता नहीं जनरली। आ जाओ जी, बी रिलेटेड रिटर्न पे चलते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। हाँ जी, जी छे, जनरली 4 साल। 4 साल के बाद अगर 1 लाख से ज्यादा का टैक्स इवेशन दिख रहा है तो 6 साल। और ये 6 साल भी इसलिए बिकॉज 44AA बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम 6 साल के लिए प्रिपेयर होते हैं। हालांकि फॉरेन असेट के केस में 16 ईयर्स का पावर दिया है फेमा के थ्रू। ये लॉजिक है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 147-148 के अंदर में, जो असेसमेंट टॉपिक में आएगा तब ये सब आएगा। अभी से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, चलो फटाफट। बी लेटेड रिटर्न, इफ असेसी फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) or 142(1), ही कैन फाइल बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां असेसमेंट का मतलब 144, ये था उसका एग्जांपल, कब तक आप कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़े और पूछा कि कौन बेवकूफ है जो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो कम टाइम में कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने बताया कि भैया इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, लोग इसको एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके क्या है मालिक, कॉन्सिक्वेंसेस है। गेटिंग इट और नॉट? ये कॉन्सिक्वेंसेस अभी मत लिखिए, मैं थोड़ी देर में लिखाता हूँ, पहले बी रिलेटेड का और कुछ पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। ओके सर, सर मुझे एक बात बताइए, बी रिलेटेड रिटर्न जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो और कुछ है क्या? हाँ, अगर आपका रिटर्न बी रिलेटेड रिटर्न है तो सेक्शन 10(a)(b) और 80(a)(ib)(ic)(id) के डिडक्शंस मिलते नहीं। लास्ट पॉइंट लिखिए, माय नोट नेक्स्ट, इफ अ रिटर्न इज अ बी लेटेड रिटर्न देन डिडक्शन अंडर 10(a)(b), डिडक्शन अंडर 10(a)(b)
और 80 IA और IE cannot be available. Done, Malik? चलो जी सर, अब आप लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑन टाइम. वी हैव कम डन विद बिलेटेड रिटर्न. अब आप ये लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम. टेन कैपिटल ए, टेन बी कैपिटल बी. स्पेसिफिकली बता दूंगा. तो पहला इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A, दूसरा लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, और तीसरा पेनल्टी. सडन सजी डन. हाँ बराबर है, इसीलिए तो बोला है ना लॉस रिटर्न बिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लॉस रिटर्न बिलेटेड हो गया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं, एक्सेप्ट टू लॉसेस एचपीएन unabsorbed depreciation. Yes, आई रहा है. सर एक सवाल और. सर कैन अ belated return बी revised? कैन अ belated return बी revised? इसका पहले जवाब हुआ करता था नो, माइट भी जब आपने आईपीसीसी में पढ़ा हो, बट नाउ अ belated return कैन बी revised. प्लीज राइट डाउन, अ belated return कैन बी revised. एक केस हुआ करता था जिसको ओवरलुक करके फाइनेंस एक्ट में अमेंड किया गया है. नाउ अ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड. अनदर माय नोट, अ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड. डन सर. चलो एक बार जी
नोट्स पे आ जाओ, belated return. If assessee failed to file the return, then belated return within the time limit allowed under 139(1) or 142(1), he can file a belated return. देखो highlight उतना ही किया जितना काम का है. By the end of relevant assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. A loss return cannot be belated return. जी हाँ, loss return belated return नहीं हो सकता, क्योंकि अगर loss carry forward करना है तो return time पे file करना जरूरी था. हालांकि दो return हो सकते हैं, HP और unabsorbed depreciation. However, assessee files a belated return, he would be liable to interest under section 234A at the rate of 1% per month or part thereof on the liability of tax. A belated return can be revised. बिल्कुल माय नोट, ये आपने भी लिखा हुआ है. बिलेटेड रिटर्न क्या हो सकता है मालिक? अब रिवाइज हो सकता है. और एक बार रिटर्न बिलेटेड हो गया तो 10A, 10B और 80IA से लेके IE तक के डिडक्शन अवेलेबल होते नहीं. गेटिंग इट नॉट? ओके. साथ ही साथ है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो यहां ऊपर लिखे हैं. मैंने आपको बोला था बाद में पढ़ाऊंगा, आइए अब पढ़ सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट अंडर 139(1). ये उस टाइम हमने नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ आपका डेवलप हो चुका है नॉलेज, तो अब आप देख सकते हैं. पहली बात तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी बात पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपए तक की, तीसरी बात बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज लॉस्ट, राइट टू रिवाइज द रिटर्न इज लॉस्ट. हालांकि अब ये पॉइंट आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये अमेंड हो चुका है. ये पॉइंट प्लीज कट कर दीजिए. पॉइंट नंबर डी कट कर दीजिए. हाँ, डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है 142(1), 144 और 148 के तहत. 142(1) वो आपको नोटिस भेज सकता है टू फाइल द रिटर्न, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. लिखो तीनों भी एरो करके, 142 नोटिस टू फाइल द रिटर्न, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. मालिक ओके. प्रोसिक्यूशन जेल तक के भी काम हो सकते हैं, हालांकि आज तक ऐसा किसी के ऊपर हुआ नहीं है, बट ये पावर है जो दिया गया है. प्रोसिक्यूशन केस फाइल हो सकता है आपके के बिहाफ टैक्स रिकवरी के लिए. डन सर. चलो जी, एक बार मुझे फटाफट बताएगा, मेरा बच्चा 139 रिटर्न ऑफ इनकम, 139(1), 139(3) लॉस रिटर्न, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(4) ए बी सी डी ई, कुछ याद है क्या? अदर रिटर्न्स कुछ याद है? और इसके साथ हमने अभी तक के पढ़ा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न. ये टॉपिक में अब तक इतना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 6. ये 6 कॉन्सेप्ट अब तक के हम लोगों ने पढ़ा है. गेटिंग नॉट गेटिंग? चलो जी आगे बढ़ते हैं. कंफर्टेबल सर? 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न. बेटा रैंक में आना है तो 5 बार रिवाइज कर. सेक्शन को याद रखने का तरीका याद रख कर लो, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे. रिवाइज रिटर्न रैंक में आना है तो कितने बार पढ़ ले बेटा? 5 बार. और हम क्या बोलेंगे उसको? ओ, एक बार पढ़ के नहीं होता, 5 बार रिवाइज कर. नहीं, रिवाइज रिटर्न. ओके सर, कौन सा रिटर्न रिवाइज हो सकता है? सर देखिए, क्या ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है? मतलब ओरिजिनल रिटर्न जो 139(1) में फाइल किया गया होगा वो रिवाइज हो सकता है? यस सर. बताइए, कैन अ बिलेटेड रिटर्न, हाँ या ना?
बी लेटर रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ये रिवाइज हो सकता है. हाँ, इन फैक्ट अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 142(1) भी रिवाइज हो सकता है. 142(1) मतलब रिटर्न फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, ये तीनों रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं. सर मला एक प्रश्न आलाय, क्या लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकता है क्या? जी हाँ, लॉस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है, क्योंकि लॉस रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट गया होगा तो वो भी रिवाइज हो सकता है. ऑल रिटर्न विच आर फाइल्ड अंडर द टाइम लिमिट ऑफ 139(1), ये चारों रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं. इससे बेहतर क्लासिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा कोई बुक में. चारों रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं, ओरिजिनल रिटर्न हाँ, लॉस रिटर्न हाँ, बिलेटेड रिटर्न हाँ, नोटिस वाले रिटर्न हाँ, बिल्कुल चारों भी रिवाइज हो सकते हैं. लेकिन कब रिवाइज हो सकते हैं? इफ असेसी फाइंड्स एरर और ओमिशन इन रिटर्न फाइल्ड. ये वो वर्ड है जो आंसर में आना ही चाहिए, एरर और ओमिशन फाइल और स्टेटमेंट फाइल. अच्छा, अब आते हैं फैक्ट पे. ये था किताबों में लिखा हुआ लॉ, पर किताबें आपको पता है बंद हो जाती है और दुनिया शुरू हो जाती है. तो आइए आगे की बात करते हैं. हमें पता है क्लाइंट को 10 बार कॉल करने लगाता है हमारा बॉस, तलमन डॉक्यूमेंट्स भेज. लेकिन एंड तक सिर्फ कॉल्स होते हैं, रिटर्न नहीं आते, डिटेल्स नहीं आती. फिर हमारा बॉस बोलता है एक काम कर, वो नालायक वैसे ही है, कभी नहीं देगा, 10 बार फोन कर दिया तो भी, एक काम कर पिछले साल का रिटर्न उठा, 15% ऐड कर और ठोक रिटर्न. आया क्या ध्यान में कुछ? 15% ऐड कर, 10% ऐड कर और ठोक रिटर्न. एक टेंटेटिव बना, जब डेटा आएगा तो रिवाइज रिटर्न ठोक देंगे. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीए को तो वैसे डबल फीस मिलेगी, ओरिजिनल रिटर्न की भी और रिवाइज रिटर्न की भी, सीए को डबल फीस मिलेगी. अब एंड तक के वो सिर्फ राह देखता रहता है सीए, लेकिन उसके सामने डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि क्लाइंट को पेनल्टी से बचाना भी हमारे ही धर्म है. तो हम लोग ठोक डालते रिटर्न को. अब रिटर्न ठोक तो दिया, हमें भी पता है एरर और ओमिशन है. लॉ कहता है इंटेंशनल एरर एरर नहीं माना जाता, लेकिन हमको, हम ऐसा प्रिटेंड करते कि हमें बाद में क्लाइंट ने डिस्क्राइब किया. तो हम क्या करते थे, तो क्लाइंट को बाद में डिस्कवर हुआ एरर और ओमिशन. हालांकि ये वर्ड एरर और ओमिशन को प्रूव करके देने की जरूरत नहीं है, बस यही एडवांटेज है जिसके कारण ओरिजिनल भी फाइल होते हैं, रिवाइज भी फाइल होते हैं, ये एक एडवांटेज है. तो अगर असेसी को एरर और ओमिशन फाइंड हुआ, जो उसको पहले ही पता होता है कहां एरर है और कहां ओमिशन है, तो वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है. सर रिवाइज रिटर्न कौन कौन सा हो सकता है? ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है, लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है, इनफैक्ट जो रिटर्न नोटिस के तहत फाइल किया है वो भी रिवाइज हो सकता है. राइट सर, कब तक रिवाइज हो सकता है? अमेंडमेंट. इसके टाइम लिमिट में अमेंडमेंट हुआ है, कब तक? बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और बी बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. इसमें पहले वर्ड हुआ करता था 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और अब ये अमेंड करके कर दिया गया है बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. अब मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं, इसका और बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट सेम है. Yes or no? By the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. अच्छा, आपको एक बात बता दूं, यहां जो assessment है ये कुछ भी हो सकता है, ये 143(3) का भी assessment हो सकता है, ये 144 का भी assessment हो सकता है. यहां जो assessment है ये regular assessment भी हो सकता है आपके return भरने के बाद, या फिर best judgment assessment भी हो सकता है. खत्म नहीं किया, चालू किया है मैंने. सर तो फिर से एक बार, कब तक कर सकते हैं? चारों रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं ओनली इफ असेसी फाइंड्स एरर और ओमिशन. हालांकि एरर और ओमिशन वर्ड को क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ये कुछ भी हो सकता है. बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर,
हो, तो कुछ बातें जो अब मेरे जहन में आ रही है वो पहली, माई नोट, जरा समझिएगा सर। पहला, मान लो सर असेसिंग ऑफिसर के पास ओरिजिनल रिटर्न भी पहुंच गया, रिवाइज रिटर्न भी पहुंच गया, असेसमेंट करते वक्त वो क्या कंसिडर करेगा, ओरिजिनल या रिवाइज, ओरिजिनल या रिवाइज? इस पे कोई क्लैरिटी लॉ ने नहीं दी थी, हेंस बनाए केस लॉ। और केस लॉ है धर्मपुर शुगर मिल्स, कौन सा केस लॉ है, धर्मपुर शुगर मिल्स, कौन सा केस लॉ है, धर्मपुर शुगर मिल्स का केस लॉ कहता है, इफ अ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड, रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। दैट मीन्स अगर रिवाइज रिटर्न फाइल हो गया तो ओरिजिनल रिटर्न ऐसा समझा जाएगा फाइल ही नहीं हुआ है, ऐसा समझा जाएगा ओरिजिनल रिटर्न अब एग्जिस्ट नहीं करता, एंड एओ हैज टू डू असेसमेंट ऑन रिवाइज रिटर्न ओनली, एओ हैज टू डू द असेसमेंट ऑन रिवाइज रिटर्न ओनली। सो रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। सो द फर्स्ट पॉइंट, रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, हेंस व्हाइल मेकिंग असेसमेंट एओ शेल कंसिडर, बोलो मालिक, रिवाइज रिटर्न इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, केस धर्मपुर शुगर मिल्स। सर क्या एग्जाम में केस लिखना जरूरी है? फाइनल लेवल पे आपसे एक्सपेक्टेड तो जरूर है कि आप केस लॉ के नाम याद रखें, हालांकि थाउजेंड ऑफ केसेस है, हर एक भी याद नहीं रखे जा सकते, बट जितने याद हो सकते उतना याद रखो। सो कैन आई से अ रिवाइज रिटर्न विल रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न? ओके सर, सर एक रिटर्न कितने बार, सर मेरे को एक और डाउट आया है सर, एक रिटर्न कितने बार रिवाइज हो सकता है, एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार, लाख बार? सर अ रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट। एक्ट ने ऐसा नहीं कहा था, अगेन देर इज अ केस लॉ, निरंजन रामचंद्र वर्सेस सीआईटी, एक रिटर्न कई बार रिवाइज हो सकता है विद इन द टाइम लिमिट। सो अ रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट। निरंजन रामचंद्र वर्सेस सीआईटी केस लॉ, दूसरा वाला बिल्कुल मत याद रखना, पहला वाला याद रखना, धर्मपुर शुगर मिल्स। सर कैन अ लॉस रिटर्न बी रिवाइज्ड? यस, ये हम पहले देख चुके हैं, लॉस रिटर्न क्या हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। सर मैम लॉस रिटर्न बिलेटेड रिटर्न कैसे हो सकता है? हाँ उस केस में हो सकता है, वो तो एक्सेप्शन है, वो हर जगह वर्क करेगा, है ना? ओके कोई भी सॉफ्टवेयर में अब तक तो मैंने तो नहीं देखा कि ऑप्शन आता है, मैंने तो कोई सॉफ्टवेयर में नहीं देखा कि ऑप्शन एक्सरसाइज होता है कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके
सर सर बताइए रिवाइज रिटर्न करने के नाम पे क्या हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज कर सकते हैं क्या? एक दिन एक असेसी ने क्या किया, रिवाइज रिटर्न उसको सबमिट करना था तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे उसने वही चेंज कर डाले और पूरे रिवाइज रिटर्न के हिसाब से बना डाले, ओरिजिनल बुक्स अलग और रिवाइज रिटर्न के हिसाब से पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट से अलग कर दिए। कैन ही डू सो, यस और नो? यस और नो? आंसर इज नो। आप रिवाइज रिटर्न के नाम पे बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, रिटर्न रिवाइज होना चाहिए। पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट रिप्लेस करके नए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का पावर कहीं दिया हुआ नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ, पर सर रिवाइज हुआ है तो हमारे को हमारे बुक भी उस हिसाब से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। आप एग्जिस्टिंग बुक को एडजस्ट करें थोड़ा बहुत, ये समझ में आता है। न्यू सेट्स ऑफ बुक बना दे सेंसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? प्लीज राइट डाउन। असेसी कैन नॉट री राइट द बुक्स, असेसी कैन नॉट री राइट the books under the label of revised return by changing method of accounting. Sudden walk K. Sir, एक और बात बताइए, फर्म का रिटर्न रिवाइज हुआ तो क्या पार्टनर का रिटर्न भी रिवाइज होगा क्या? ये काम आपने हो सकता है किया हो। फर्म का रिटर्न रिवाइज हुआ तो क्या पार्टनर का रिटर्न भी रिवाइज होगा क्या? हाँ या ना? अफेक्ट कर रहा है या करेगा ही? प्रॉफिट चेंज होगा तो उसका रेमुनरेशन एंड अदर चीजें चेंज होगी। यस, इफ अ रिटर्न ऑफ फर्म इज रिवाइज्ड, रिटर्न ऑफ पार्टनर बी रिवाइज्ड। प्लीज राइट डाउन, इफ अ रिटर्न ऑफ फर्म इज रिवाइज्ड, रिटर्न ऑफ पार्टनर विल ऑल्सो बी रिवाइज्ड। डेफिनेटली यस सर। If return is not filed, penalty is applicable. If return is not filed within time, penalty is applicable. Can a penalty be avoided by filing the revised return? Original return to? Kya? पेनल्टी रिवाइज रिटर्न पेनल्टी को कुछ अफेक्ट कर सकता है? आंसर शुड बी नो। एक बात याद रखें, रिवाइज रिटर्न, ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज रिटर्न करते वक्त आपका पेनल्टी जो ओरिजिनल रिटर्न लेट फाइलिंग करने पे था वो उसको कंडोन कर सकता नहीं। गेटिंग इट और नॉट बेटा? ओके। हालांकि रिवाइज रिटर्न में पेनल्टी लगानी या नहीं लगानी, मतलब ये भी एक चीज देखा जाता है, डेलिबरेट पेनल्टी है, क्योंकि कई बार क्या होता है असेसिंग ऑफिसर समझ जाता है कि ये रिवाइज डेलिबरेटली किया गया है, देयर वाज नो एरर और ओमिशन, उस केस में वो पेनल्टी लगा भी देता है और कई बार पेनल्टी हटा भी देता है। तो वो डिपेंड करता है आपके उसके रिलेशन कैसे हैं, आपके उसके रिलेशन कैसे हैं। इज दैट डन? अच्छा नहीं, एक मिनट, मेरे को नहीं समझा, आपको समझा होगा। सर मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर 17-18 का ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में कब तक जाना चाहिए,
बी लेटेड रिटर्न कब तक होना चाहिए, रिवाइज रिटर्न कब तक होना चाहिए डेट के साथ, बोलो जल्दी। इंडिविजुअल जब तक कुछ नहीं बोला तब तक के नॉर्मली मानो। हाँ जी, ये होना चाहिए 31 जुलाई, ईयर बोलो 2018। बी लेटेड कब तक होना चाहिए, 31 मार्च 2019। और क्या रिवाइज रिटर्न का भी टाइम लिमिट सेम ही है, 31 मार्च 2019। ऐसा हो सकता है असेसी ने बी लेटेड किया और इसके बाद रिवाइज कर दिया बाय 2019, पॉसिबल है, पर ओरिजिनली डेट्स ये बनती है, ओरिजिनल रिटर्न, बी लेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न की आज के तारीख में। और दोनों केसेस में अगर असेसमेंट पहले हो गया तो डेट ऑफ असेसमेंट यहां रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर है? असेसमेंट अगर पहले हो गया तो डेट ऑफ असेसमेंट यहां पे पहले आ जाएगा। होता है ना मैम, एक असेसमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट हो जाता है, समरी असेसमेंट क्या होता है ये असेसमेंट टॉपिक में पता चलेगा। मेरे फ्रेंड ने एक सवाल पूछा है सर असेसमेंट तो होता ही नहीं है ना, होता है बेटा, असेसमेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो हो ही जाएगा ना, और बाद में बी लेटर रिटर्न भरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, तब उस केस में क्या करेंगे आप? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरी असेसमेंट होता है, बेस्ट जजमेंट भी हो सकता है। मान लो वो आपको ट्रैक कर रहा था और उसको कंफर्म न्यूज है कि इसने गलत किया ही किया है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो की देगा और बोलेगा कि भैया चल अब तेको रिटर्न भरना है तो भर। फिर एसएससी बी लेटेड रिटर्न भरता है, बी लेटेड रिटर्न के बाद चेक करता है कि क्या सारी चीजें उसने कवर की है या नहीं की है, उसके बेसिस पे अपना बी लेटेड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी वो चेंज करता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। सब आएगा आगे के टॉपिक्स में, पहले हम सिर्फ रिटर्न समझ रहे हैं। ओके, पार्टनर का रिटर्न भी फिर 30 सितंबर को जाता है, मेंशन कहां रहेगा? अगर फर्म का रिटर्न सितंबर में जा रहा है तो पार्टनर का रिटर्न भी बट ऑफ से सितंबर में ही जाएगा, क्योंकि जब तक फर्म का फाइनलाइज नहीं हो सकता पार्टनर का फाइनलाइज ही नहीं हो सकता ना। नहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है बट रूल सिंपल है। ओके डन सर, चलो जी वापस एक बार 139(1), 139(1), 3, 4 फोर ए बी सी डी अदर्स, 5 रिवाइज रिटर्न, और एक और चीज पड़ी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न। कंफर्टेबल हो? कितनी चीज पढ़ ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉन्सेप्ट अब तक डिस्कस किए मालिक। आई होप देर इज प्रिटी क्लैरिटी इन एवरीथिंग। ओके चलो आज का लास्ट पॉइंट सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न 139(9). अच्छा अब जरा समझना, डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफेक्ट्स? देखो एनेक्सचर नॉट फिल्ड, ये एक डिफेक्ट है। हालांकि सॉफ्टवेयर यूज करने के कारण डिफेक्ट्स के आने के चांसेस 99% तक कम हो चुके हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पॉपअप दे देता है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं फिल कर पाते या जो फिल किया वो अप्रोप्रिएट फिल नहीं है। तो पहला एनेक्सचर नॉट फिल्ड और नॉट अप्रोप्रिएटली फिल्ड, दूसरा कॉलम्स नॉट फिल्ड और अप्रोप्रिएटली फिल्ड, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी थे नॉट अटैच्ड, डॉक्यूमेंट्स नॉट अटैच्ड। इन तीनों केसेस में रिटर्न ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, डिफेक्टिव। अब इस केस में क्या होता है, एओ shall intimate the defect to assessee and notify him to get it rectified। याद करो आप सबसे पहले जब भी लॉग इन करते थे क्लाइंट का
सबसे पहले जाकर के आप उसका हिस्ट्री चेक करते थे और वहां पे 1399 दिखता था बहुत बार कि कुछ तो पेंडिंग है, दैट वॉज नोटिस। आपको अगर नहीं याद आ रहा हो तो पेज नंबर 3.8 पे जाइए, पेज नंबर 3.8 पे देखो, मैंने एक ऐसा ही कॉलम मेरे क्लाइंट का निकाल के लाके रखा है। 1399 के तहत याद करो एक ऐसा डिफेक्ट पेंडिंग दिखता था और यहाँ पे उसका डिफेक्ट का रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ता था, याद आ रहा होगा। तो रिस्पॉन्स को आप जैसे क्लिक करते थे एक नया पेज ओपन होता है जिसके अंदर आपको उसको क्वेरी जो भी थी उसको क्लैरिफाई करके देना पड़ता है, याद आ रहा है क्या? ये इस तरीके का नोटिस दिया जाता है। आज के तारीख में वो लंबा लेटर नहीं आता, बस जैसे आप लॉग इन करोगे ये पेंडिंग दिखाता है कुछ, तो तब तक के ये क्लियर नहीं होता तब तक के फर्दर सबमिशंस बाकी रहते हैं, याद आ रहा है क्या? तो पहले ये क्लियर किया जाता है बाय क्लिकिंग अ सबमिट फॉर्म। आप सब ने ये किया होगा डेफिनेटली, मैं श्योर हूं अपने ऑफिसेज में। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए डाल के रखा है, टेक्निकली इस तरीके से ये किया जाता है। तो 15 दिन के अंदर आपको रेक्टिफाई करने बोला जाता है, रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज। दो बातें होंगी, इट इज रेक्टिफाइड नॉट रेक्टिफाइड, दो बातें हो सकती है, रेक्टिफाइड नॉट रेक्टिफाइड। इफ इट इज रेक्टिफाइड द रिटर्न विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड रिटर्न, इफ इट इज नॉट रेक्टिफाइड द रिटर्न विल बी कॉल्ड एज अ इनवैलिड रिटर्न, द रिटर्न विल बी कॉल्ड एज अ इनवैलिड रिटर्न। हालांकि डॉक्यूमेंट्स अटैच के केस में मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं, अब नए ITR जो है इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच ही नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान देंगे तो न्यू ITR के तहत पहले होता था कि आपके TDS सर्टिफिकेट ये वो अटैच करो, पर आजकल 26AS क्लिक करते हैं उसी के तहत सब डिटेल्स आ जाती है तो हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत ही नहीं होती। तो इन दैट केस ऐसा कुछ नहीं होगा कि हर रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अब लॉ क्या बोलेगा, अगर कोई मैंडेटरी है इसके अलावा कोई मंगाया था स्पेसिफिकली और आपने वो सबमिट नहीं किया तो डिफेक्टिव होगा। अदरवाइज आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर हर रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट तो अटैच ही नहीं करने पड़ते। तो ये उसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, लॉ में अभी भी ये वर्ड रिप्लेस करना बाकी है। तो रूल क्या है, असेसी ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रिटेन करेगा और अगर AO को लगता है तो वो स्पेसिफिकली डिमांड कर लेगा पेंडिंग स्टेटस दिखा करके, फिर पेंडिंग स्टेटस में आपको वो चीज सबमिट करने पड़ेगी अपलोडिंग के थ्रू एंड देन वो डिफेक्टिव रिटर्न का स्टेटस हट जाएगा। अच्छा सर मुझे बताइए, आपने बोला AO 15 दिन का टाइम देता है, क्या AO इस टाइम लिमिट को बढ़ा भी सकता है? जी हाँ, AO के पास पावर है, वो इस टाइम लिमिट को बढ़ा भी देता है और ये 99% केसेस में होता ही है। पूछो क्यों? इमीडिएटली जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो उनके पास एक सिस्टम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, राइट? ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिफेक्ट बाहर निकाल के आपको नोटिफाई कर देता है, ये AO नहीं करता, ऑटोमेटिकली सिस्टम ही कर देता है, सिस्टम ही कर देता है। तो उसके तहत आपको बता दूं, उसी के तहत ये सिंपली टाइम लिमिट एक्सटेंडेड टाइम लिमिट ही होता है क्योंकि असेसी तो रिटर्न सबमिट करके ये सोचता कि मेरा सब कुछ ओके हो गया और बाद में जब कभी कुछ अपलोड करना रहा और अपलोड नहीं होता रहा तब जाके उसको समझ में आता। तो मैक्सिमम केस में टाइम लिमिट 15 दिन से एक्सटेंडेड ही रहते हैं। Please write down. AO can also extend the time limit beyond 15 days. AO can also extend the time limit beyond 15 days. Is that done? Okay, sir. Sir, आपके नोट्स में मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आज का आपका एक काम, क्वेश्चन नंबर 1 and question number 3 ये दोनों होमवर्क है। हम कल इसके ऊपर सबसे पहले आके ही डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ट्राई टू राइट इट फ्रॉम पेंसिल।
और एटलीस्ट ट्राई टू राइट द आंसर. उसको लिखना क्या है, मैंने आपको स्पेस दे रखी है, हम वहां पे लिख देंगे. मैंने आपको पहले भी वादा किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आपको इसमें मदद करनी पड़ेगी मेरी. तो जा करके ईमानदारी से दो क्वेश्चन घर पे देखना, आंसर उसका हम कल रीराइट कर लेंगे यहाँ पे. डन सर. आज 8 आइटम डिस्कस हुए, आई होप देर इज नो डाउट. और अगर कुछ होगा भी, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं इंस्टा पे अवेलेबल हूँ, मैं FB पे अवेलेबल हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, तीनों जगह आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. डन सर, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों.